हेलो एवरीवन, यू ऑल वाचिंग एसपी सिंप्लीफाइड। एंड बीपीएससी में लगभग 70 डेज है हमारे पास काउंटडाउन, 70 डेज हमारे पास हाथ में है, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है। ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ ना कुछ कंटेंट जानते हैं, कुछ ना कुछ कंटेंट हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। हमारा मेन एम क्या होना चाहिए? हमारा मेन एम होना चाहिए कैसे भी मार्क्स को बढ़ाना है। प्रीलिम्स में आपको कट ऑफ क्लियर करना है, कंसिडरिंग द लेवल ऑफ पेपर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि कंपटीशन इन प्रीलिम्स ज़्यादा टफ है एज कम्पेयर टू मेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे साफ करेंगे ये हम लोग समझते हैं। देखिए कंप्लीट टेस्ट को मैं दूंगा, लेकिन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पर डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में मैं ये बताता हूँ कि सेकंड टेस्ट जो अगली टेस्ट होगी ना उसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड पे पहले डालूंगा, मतलब सुबह डाल दूंगा और शाम में आके फिर डिस्कशन करेंगे उस पर, ठीक है, ताकि आप लोग उसको दिन में सॉल्व कर लो, फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। आज पहला टेस्ट है तो ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी गलतियां हम लोग करेंगे टेस्ट में, जो भी दिक्कतें आएंगी टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, जैसे मान लीजिए फिनांस कमीशन का क्वेश्चन आया, ठीक है, आपको उसकी आर्टिकल नहीं पता थी या फिर फिनांस कमीशन की कोई रिसेंट रिकमेंडेशंस थी जो हमें नहीं पता थी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ लिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपसे मान लीजिए आंसर गलत हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, उस फिनांस कमीशन को गूगल कर लेंगे या फिर एम लक्ष्मीकांत या फिर ल्यूशेंट या फिर जहाँ से भी जो भी सोर्स आप बना के रखे उस पर जाएंगे, उसको एक बार थॉरली रीड करेंगे। रीजन बींग ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 70 डेज है, आप आराम से इसको कर सकते हो। दूसरी बात मैं ये क्यों इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो गलतियाँ होंगी वो धीरे धीरे करके मॉडिफाई होकर ठीक होते चली जाएंगे। लेकिन अगर आप फिनांस कमीशन को सिर्फ आंसर पढ़ के चले जाओगे, केसी नियोगी जी करके अगर मान लो पढ़ के चले गए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आगे ट्रेवल करने वाली है। तो हम लोग उसको कैसे रीएडजस्ट करके अपने इशूज़ को, अपने जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ लोगों का होगा साइंस से बहुत इशू होता होगा, कुछ लोगों का होगा ऐसा इकॉनमी में बहुत इशू होता होगा, तो ये इशू को अभी हम जानेंगे 70 डेज बिफोर, तभी धीरे धीरे करके आप उसको इंटीग्रेट करोगे जो भी इशूज़ होंगे आपको, और एक बार में उसको हम लोग सॉल्यूशन निकाल के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको एडिटोरियल टेस्ट सीरीज जो कि ऑफलाइन हो रही है, टेस्ट वन जो बीपीएससी 69 के लिए हो रही है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल टाइम 2 आवर्स मिला है, टोटल मार्क्स 150 होता है, सबको पता है ये सब चीज़, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जानिए, एक नई चीज़ को इंट्रोडक्शन हुई है, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 0.33 की, ठीक है। हालांकि अभी भी बीपीएससी का कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन नेगेटिव मार्किंग तो इंट्रोड्यूस होगा 100%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं बहुत ही तमीज से। देखिए 0.33 मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, ये बात याद रखिएगा, नेगेटिव तो 68 से ही आ गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इंक्लूडेड इन द नियोलिथिक साइट्स इन बिहार। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नियोलिथिक साइट्स इन बिहार में कौन कौन सा प्लेस को ऐड किया गया है। नियोलिथिक साइट की बात करें, जैसे पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक। देखिए अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप जाकर के एनसीईआरटी की मेरी सीरीज चली है, ठीक है, उसमें मैंने अरिहंत वाले बुक में एनसीईआरटी का जो है उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उसको डाला है, आप वहाँ से स्टार्ट कर दो देखना, या फिर मैंने ऑलरेडी घटना चक्र की भी एंशियंट हिस्ट्री डाल रखी है, वो भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसमें चलते हैं। देखिए नियोलिथिक साइट की बात करेंगे हम बिहार की, तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, चिरांद में जो कि 45 किलोमीटर वेस्ट है किसके, पटना के, तो चिरांद तो होगा सारण वाले रीजन में, छपरा वाले रीजन में, ठीक है। मनेर में भी है, साथ में ही चेचरन कुतुबपुर में भी है। चेचरन कुतुबपुर की बात कर ले तो वैशाली है वो, चेचर एंड कुतुबपुर, तो ये कहाँ पे है, ये दोनों वैशाली जिले में है, ठीक है, ये हो गया। एक और समझिए, ताराडी जो गया में है वो रीजन भी नियोलिथिक साइट्स में ही कंसिडर किया जाता है, एंड सेनुआर जो है रोहताश में वो एब्सोल्युटली कंसिडर इनटू नियोलिथिक साइट, ठीक है। देखिए नियोलिथिक कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे पैलियोलिथिक साइट हुआ जहाँ पे लोग स्टोन यूज करते थे एज अ वेपन, लेकिन स्टोन क्या होता था, वो अनसेप्ड होता था, उसकी कोई सेप नहीं होती थी जिससे वो शिकार कर सके। लिथिक का मतलब ही होता है स्टोन, ठीक है। अगर हम लोग पैलियो से आगे बढ़े, मेजोलिथिक बढ़े, तो स्टोन क्या होते गया, एक सेप, डेफिनेट सेप लेता चला गया, ठीक है। मतलब जो वेपन्स बनाने लगे उस वक्त के लोग जो थे वो थोड़ा सेप में आने लगा, छोटा होने लगा, जैसे चर्ट हो गया, जैसे छोटे छोटे स्टोन्स बनने लगे, छोटे छोटे औजार बनने लगे। लेकिन नियोलिथिक साइट आया ना, तो उस औजार को ना और साइन किया गया, पॉलिश किया गया और अच्छे से घिसा गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए
कि जो वेपन्स था उसको डबल सेप दे दिया गया, जैसे इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, डबल सेप हो गया। तो इससे क्या आपको समझ में आया कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, टूल्स जो था वो स्टोन से भी बनता था, एक और बोन से भी बनता था। तो ये सारी एविडेंसेस इन जगहों पे मिली है। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन कि सिनुआर रोहतास भी है सेंटर, ताराडीह गया में भी है, नियोलिथिक साइट्स चिरांद जो कि सारण छपड़ा के आसपास वाले रीजन में है, पटना से 45 किलोमीटर वेस्ट है, वहाँ भी है। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, कंप्लीट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। और अगली जो टेस्ट होगी उसकी उसकी क्वेश्चन मैं पहले ही डाल दूंगा, उसके बाद हम लोग इसको बात करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन यूजिंग द कोड। लिस्ट वन और लिस्ट टू दे रखा है, ठीक है, ऑथर्स का नेम है और उन्होंने किस बुक्स पे काम किया है, उन्होंने किस बुक को लिखा है, ठीक है। मैगस्थनीस आपको पता होना चाहिए, अगर हम लोग बात करें तो इंडिका, ठीक है, इंडिका लिखा है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टॉलमी की बात कर लें तो टॉलमी जियोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, प्लिनी की बात करें तो इन्होंने लिखा है नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है। चलिए, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो ना, तो ये आपको दूसरे या तीसरे पेज में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वहाँ से निकाला गया है। हैनसेंग की बात कर लें तो ये तो आप चाइनीज़ नेम से भी बता दोगे, सी यू की, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ए का हो गया 3, ए इज 3, माई आंसर इज दिस, अब आगे भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स इज रिलेटेड टू हीनयान। अब हीनयान किस सेक्ट से रिलेटेड है ये बताना है आपको। ऑप्शन क्या क्या है ये देखते हैं, स्वतंत्रतिका सेक्ट, मध्यमिका सेक्ट, विजय नवदत्त सेक्ट और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर हम लोग हीनयान की बात करें, हीनयान कहने का मतलब हुआ जो मूर्ति पूजा पे भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। अगर हीनयान के मेन सेक्ट की बात करें, उनकी ब्रांचेज की बात करें, तो विभाषिका एंड स्वतंत्रिका, ये दोनों याद रखिएगा, एक तो विभाषिका एंड दूसरा था स्वतंत्रतिका, ये याद रखिएगा, भूलने वाली चीज़ नहीं है। दूसरा मैं नेम यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका, ये दोनों जो था, ये दोनों सेक्ट था हीनयान का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वेयर नेचर वर्शिपर, एब्सोल्यूटली करेक्ट। देखिए, आपको पता होगा कि एक गॉडेस का एक इमेज मिला है, टेराकोटा फिगरीन मिला है। टेराकोटा कहने क्या मतलब होता है, टेराकोटा कहने का ये मतलब होता है कि वो जो क्ले होता है ना, बर्न्ट क्ले से बनाया जाता है उसको, तो उसके वॉम्ब में, उनके वॉम्ब में दिखाया गया है कि वुमेन है, उसके वॉम्ब से प्लांट्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो वो नेचर को बहुत ज़्यादा, वो लोग ग्रेसफुल थे, नेचर नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड थे, तो दे यूज टू वर्शिप द नेचर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड है, दे बिल्ट ग्रेट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये गलत है। पूछे क्यों, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि कोई भी मंदिर, कोई भी मंदिर ये सब देखने को नहीं मिला है वहाँ पे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें, देवेयर मॉडेस्ट, देवेयर मॉडर्न, देवेयर वेरी नोन अबाउट द डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग द आर्किटेक्चरल। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि वो वहाँ पे कोई मंदिर मंदिर टाइप का कुछ कोई भी चीज़ एविडेंस के तौर पे एक्सकेवेट नहीं हुआ था। दयाराम साहनी जी हो या फिर जो भी थे, मार्शल जी थे जिन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला था वर्शिप का कुछ भी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड थर्ड है, दे बिलीव्ड इन विचक्राफ्ट, ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि वो एक एक तरीके से जंतर होता है ना, वो मिला था वहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, वो नेचर वर्शिपर थे और वो विचक्राफ्ट में भरोसा रखते थे, जो कि उनका जो इन्फॉर्मेशन था ना, ये वो बेसिकली सील्स, मोहरे और बहुत सारे चीज़ों पे एक्सकेवेटेड ऑब्जेक्ट्स जो मिला ना, उस पर ये सारे इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर हम लोग बात करें उनके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की, तो कोई भी शाइन नहीं था जहाँ पर टेम्पल देखने को मिला था, ठीक है। और बेसिकली यही था, हालांकि एक ग्रेट बाथ एंड ग्रेट बिल्डिंग
मिला था मोहनजोदारो में, जिसको एज ए रिलीजियस प्लेस मान सकते थे, लेकिन कोई टेम्पल्स ये सब देखने को नहीं मिला था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है? फाइव कह रहा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल सबको पता है राजगृह में हुआ था, ठीक है, आप याद रख सकते हैं, तो राजगृह में हुआ था, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुआ था, ये भी समझ लीजिए, 483 BC में हुआ था राजगृह में। कहाँ पे हुआ था? सतपारनी केव में, ठीक है। और कब हुआ था? तो अजात शत्रु के रिजिम में हुआ था, ठीक है। और एक चीज़ और, एक छोटा सा चीज़ याद रखिएगा, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में ही विनय पिटक और सुट पिटक को कंपाइल किया गया था, ठीक है, पहले ही काउंसिल में। विनय पिटक की बात करें, वो डिसिप्लिन के बारे में बात करता है, ये भी समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अग्रहारा। अग्रहारा के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये देखते हैं, ठीक है। बेसिकली ये था क्या ये समझते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है, इट वॉज लैंड गिवन टू ब्राह्मिन्स, इट वॉज अ लिटिल गिवन टू एन आर्मी चीफ, इट वॉज अ प्लेस, इट वॉज अ टाइटल गिवन टू आर्मी चीफ, इट वॉज अ प्लेस ऑफ स्टे फॉर द सेंट्स। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम लोग अग्रहारा की बात करें तो ये लैंड था जो दिया जाता था ब्राह्मिन को, ठीक है, ये याद रखिएगा। बेसिकली लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इससे ये फ्री होता था, ठीक है, मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम इस पर एप्लीकेबल नहीं होता था, और ब्राह्मिन्स इसको कलेक्ट करते थे और लोग ब्राह्मिन्स को प्रोवाइड करते थे अग्रहारा, ये याद रखिएगा। चलिए तो आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेवन क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ लैंड वॉज केप्ट अंडर अप्राहत इन द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के वक्त किस लैंड को अप्राहत कहते थे ये समझिए। तो ये कहा करते थे वैसे लैंड को जो कि कल्टीवेटेड नहीं होते थे, जो कि जंगली लैंड होते थे, जहाँ पे कुछ भी कल्टीवेशन का नहीं किया जाता था, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए इसी तरीके से और गुप्ता पीरियड में जान लेते हैं, जैसे क्षेत्र हो गया जो कि वैसे लैंड थे जो कि फार्मिंग के लिए सुटेबल थे, वैसे लैंड जो सुटेबल फॉर कल्टीवेशन है उसको हम लोग क्षेत्रा कहते थे। अगर आप हैबिटेबल लैंड की बात करें, जहाँ पे लोग रहते हैं, हैबिटेशन इज अलाउड, वो उसको कहते थे वास्तु। अगर हम लोग वैसे लैंड की बात कर ले जो अनकल्टीवेटेड होते थे, वाइल्ड लैंड, उसको तो अभी समझ गए हम लोग, अपराहत कहते थे, ठीक है। चलिए एक और होता था गोचर, वो वैसा लैंड होता था जो कि कैटल जहाँ पे फीड किए जाते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट, जो इन्फॉर्मेशन आप उसको लिख के रख सकते हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर नालंदा। तो एक चीज़ समझिए, कौन कौन से, ह्वेनसांग कब आए थे, 645 AD के आसपास, बेसिकली वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा में आए थे, ये तो सबको पता होना चाहिए अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, तो नहीं भी बिलोंग करते हो तो आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। इत्सिंग की बात कर लें, इत्सिंग भी नालंदा आते हैं, लेकिन ये आते हैं कब, 670 AD में के आसपास, ठीक है, तो ए एंड बी तो हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फाइयान किस किंग के टाइम में आए थे इंडिया, ह्वेनसांग कब आए थे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नाइन को देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर टू। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि कौन सा रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिन्होंने सिकंदर टू के टाइटल को कैरी आउट किया था, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी टाइटल सिकंदर टू का लिए थे, या फिर इसको आप कह सकते हो सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, और वो कॉइन्स में भी इसको इंस्क्राइब करवाए थे, कॉइन्स में भी इसको छपवा दिए थे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, सिकंदर टू क्यों रखे थे, क्योंकि ये सिकंदर की तरह अपने लाइफ को बहुत एक्सपेंड करना चाहते थे, और वो जिस तरीके सिकंदर अपने फ्लैग लेके चलते थे पूरे वर्ल्ड में, तो उसी तरीके से ये कुछ इनका कुछ ड्रीम उसी टाइप का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा था, फेमस रूलर कृष्णदेव राय वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो तुलुव डायनेस्टी से
बिलोंग करते थे, कृष्णदेव राय एक ग्रेटेस्ट विजयनगर एम्पायर के रूलर थे। याद रखिएगा इंडिया में भी इनका बहुत ज़्यादा वो था, विजयनगर एम्पायर को एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड ग्लोरी पे ले जाने का इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। यह तुलुप डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग क्रोनोलॉजिकली बात करें विजयनगर एम्पायर में, तो सबसे पहले एम्पायर थी संगम, मैं यहाँ लिख देता हूँ संगम, फिर उसके बाद आई सालुवा, फिर आया तालुवा, देन अरावीडू। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 11। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला जो चल रहा था उसके फाउंडर कौन थे? तो उसके फाउंडर थे शेख अब्दुल कादिर जिल्लानी। शेख अब्दुल कादिर जिल्लानी वॉज द फाउंडर ऑफ कादरी सिलसिला। और ये जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ था इंडिया में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सैयद मोहम्मद जिलानी जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन विच ईयर द धासला सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय टोडरमल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। टोडरमल वॉज द रेवेन्यू ऑफिसर, आपको पता होना चाहिए अकबर के रिजीम में अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, ये पता होना चाहिए। आईने धासला सिस्टम कब किया था? तो 1580 में किया था, जब वो उनकी 24वें साल हो गए थे रिजीन के, उनके किंगडम के, तो वो धासला सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, लेकिन अगर रियल पायनियर की बात करें तो वो टोडरमल थे। ठीक है, और धासला सिस्टम जो था उसको टोडरमल सेटलमेंट भी कहते हैं। तो अगर हम लोग धासला सिस्टम की बात करें तो ये देखो 10 साल पर लगाया जाता था, एक तो ये समझिए 10 ईयर्स के ड्यूरेशन को चेक किया जाता था। बेसिकली ये नॉन मुस्लिम्स पर लगता था। ठीक है, चलिए, और बेसिक इसमें देखा जाता था कि उनकी जो क्रॉप यील्डिंग है वो किस तरीके से हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट को लगाया जाता था। तो आप ये समझ सकते हो कि उस वक्त के केस में, हालांकि ये तो एक तरीके का पार्शियल टैक्स था कि ओनली नॉन मुस्लिम विल पे दिस टैक्स, लेकिन वो प्रोग्रेसिव था। ठीक है, रेग्रेसिव नहीं था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? राहत वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिडाइवल इंडिया। तो अगर राहत की बात करें तो मिडाइवल इंडिया केस में किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो ये रिलेटेड है, देखिए जब भी आप देखिएगा ना एग्जाम में, अगर आप नहीं पढ़े रहिएगा तो आपको टैक्स सिस्टम लगेगा ये, लेकिन ये था इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, राहत वॉज अ इरिगेशन सिस्टम। अगर हम लोग राहत की बात करें, एक बहुत ही मिडाइवल इरिगेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट टैक्स सिस्टम था। ठीक है, इसमें क्या करते थे, वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता था बहुत ही ज़्यादा डेप्थ से इरिगेशन के पर्पज से। ठीक है, इतना ही समझना है। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? हु वॉज द पेशवा ऑफ मराठाज एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो उस वक्त के पेशवा कौन थे? उस वक्त के पेशवा थे बालाजी बाजीराव। अगर हम लोग बाजीराव की डेथ की बात करें, उनके जो बेटे थे बालाजी बाजीराव, उसको नाना साहब भी कहते थे, ये याद रखिएगा, नाना साहेब। किन के बेटे थे ये? बाजीराव जी के बेटे थे बालाजी बाजीराव, इनको नाना साहेब भी कहा जाता था, इनको पेशवा बनाया गया था। इनके ही समय में कौन सा पानीपत की बैटल लड़ी गई थी? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को लड़ा गया था। ठीक है, किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में 14 जैन 1761 में ये लड़ा गया था, तीसरा बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन बालाजी बाजीराव एंड अहमद शाह अब्दाली ऑन 14 जैन 1761। बालाजी बाजीराव वॉज द सन ऑफ बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव ऑल्सो उन्होंने नाना साहेब। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। अब चलिए, कह रहा है द फॉलोइंग वर्क्स वॉज नॉट डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी जी के वक्त बहुत सारा काम हुआ था। अगर हम लोग समझे इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारा काम हुआ था, जैसे पहले टेलीग्राफ लाइन का सेटअप, इसी तरीके से रेलवेज का काम आपको पता ही होगा। इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो उनके समय में नहीं हुआ था, ये समझते हैं। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम कैलकटा टू आगरा। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कैलकटा से आगरा के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन को बिछाया गया था। कब बिछाया गया था? 1853, ये डेट याद रखेगा, 1853 में ये काम किया गया था। क्लियर है? चलिए, एक चीज़ और याद रखिएगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की बात करें PWD की, तो ये भी इस्टेब्लिशमेंट इन्हीं के वक्त हुआ था, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको समझ में आएगा। ठीक है, PWD का मेन काम क्या होता है? डेवलपमेंटल वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क का काम करते हैं ये लोग।
तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाला भी इस्टेब्लिश किया गया था इन्हीं के टाइम में, ठीक है। इसी तरीके से अगर लॉर्ड डलहौजी की हम लोग टेन्योर की बात करें 1848 से 1856 एडी में, 1854 में उन्होंने न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट को पास किया था, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। और 1854 में ही पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया गया था, तो तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा नहीं किया गया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दी अबव, सारा का सारा किया गया था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पास द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हु वॉज द वन हु हैज पास्ड। देखिए अगर हम लोग बात करें तो सत्येंद्रनाथ बोस जी थे जिनको 1863 में सिविल सर्विसेज क्लियर करने का मौका मिला था। चार्टर एक्ट 1853 के तहत 1853 के तहत इंडियंस वेयर इंट्रोड्यूस किया गया था कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को सिविल सर्विसेज में। अगर हम लोग सत्येंद्रनाथ बोस की बात करें तो उनको सक्सेस मिला था 1863 में, तो वो पहले थे जो सर्विस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को इंडिया में क्वालिफाई किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी दे रखा है विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस थे ये याद रखिएगा, तो नाना हो जाएगा आंसर हमारा। 17 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट अवध स्टेट, इंडिपेंडेंट अवध स्टेट की फाउंडर कौन थे, तो वो थे सादत खान। तो सादत खान को याद रखिएगा। अगर हम लोग सादत खान की बात करें इनको ही हम लोग बुरहान उल मुल्क कहते थे, ये भी याद रखिएगा, क्या कहते थे, बुरहान उल मुल्क, ठीक है। फैजाबाद को इन्होंने कैपिटल बनाया था और न्यूली जो अवध स्टेट था उसको इन्होंने ही क्रिएट किया था। सादत खान जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वुमेन वेयर गिवन द राइट टू वोट, दिस वॉज द एब्सोल्यूट ग्रेटेस्ट प्लेजर फॉर इंडिया, वुमेन को दिया गया था राइट टू वोट, अंडर विच एक्ट, इट वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको आप लोग मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते थे, ठीक है। तो 1919 के तहत इंडिया में वुमेंस को राइट दिया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम दैट्स दे कैन ऑल्सो वोट, तो राइट टू वोट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसी को हम लोग मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते थे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल सेड फॉरेन कैपिटल इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर इंडियाज नेशनल डेवलपमेंट, मतलब फॉरेन का जो पैसा होगा या कैपिटल होगा वो बहुत एसेंशियल होता है कंडीशंस इंडिया के नेशनल डेवलपमेंट के लिए, किन्होंने कहा था इसको, तो ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा, ठीक है। कर्जन आपको पता होना चाहिए, 1905 बंगाल डिवीज़न, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो लिया गया था लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा, बेसिकली वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में जो कहे थे, किसको, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में जो कहे थे। ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, एमिनेंट पर्सनालिटी दादा भाई नेहरोजी। एक चीज़ और समझिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कंसेप्ट होता है ना वो कहता क्या है, वो ये कह रहे थे कि इंडिया का जो ड्रेन है ना, इंडिया का जो वेल्थ है ना वो ड्रेन होकर कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है वेस्ट में, इसके कारण जो है इंडिया और पुअर पे पुअर होते चला जा रहा है, ठीक है। फॉरेन कैपिटल को दादाभाई नेहरोजी जी ने एक्सप्लेन किया था, कहा था कि प्लंडर एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, मतलब आप हमें ही लूट रहे हो, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हो और कह रहे हो कि हम आपकी मदद कर रहे हैं आपके कैपिटल को रीस्टेब्लिश करने में, तो ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले अ मेजर रोल, तो इसमें से कौन से सत्याग्रह था जहाँ पे सरदार पटेल ने बहुत ही अच्छा रोल किया था, मतलब मेजर रोल प्ले किया था। तो देखिए खेड़ा में तो आप तो सुने होंगे, सबसे पहले स्टार्ट किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ही, जिनमें इनको टाइटल सरदार दिया गया था। उसके बाद खेड़ा को आगे बढ़ाए थे गांधी जी ने, ठीक है। फिर वारदोली, बारदोली भी पता होगा आपको, बारदोली में भी इन्होंने अच्छा खासा वो किया था, आगे बढ़ाया था इन चीज़ों को। 1928 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें इनको सरदार की टाइटल मिली थी, ठीक है। अब एक और था वलसाड सत्याग्रह, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ था, नागपुर वाले रीजन में हुआ था, वहाँ भी इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। हु रोट द आर्टिकल वाई एम आई एन एथिक्स, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही होगा, भगत सिंह। भगत सिंह की डेथ जो हुई थी वो 21 दिन
फ्यू मंथ्स के थे जब उनकी डेथ हुई थी, 21 ईयर एंड फ्यू डेज उनकी एज थी, आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, इन विच ईयर वॉज गांधी स्टार्टेड हिज हरिजन यात्रा फ्रॉम वर्धा, वर्धा से गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब स्टार्ट की थी, तो वो स्टार्ट की थी 1933 में, नवंबर 7 1933 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था हरिजन यात्रा, कहाँ से, तो वर्धा से स्टार्ट किया था, ठीक है। और जुलाई 1934 तक लगभग 9 महीने तक वो इधर उधर बहुत सारे पोजीशंस पे, लोकेशंस पे विजिट किए थे और वो 20,000 किलोमीटर्स को ट्रैवल किए थे, याद रखिएगा 20,000 किलोमीटर को वो ट्रैवल किए थे, तो 9 महीने की ये जर्नी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, फ्लाउड कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है, वेरी यूनिक क्वेश्चन, ये रिलेटेड है आपको किससे ये बताना है, ये रिलेटेड है आपको लैंड रेवेन्यू से, ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन की बात करें, जिसको ही हम लोग फ्लाउड कमीशन कहते हैं, ठीक है, तो बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन को फ्लाउड कमीशन कहते हैं, या गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, बेसिकली लैंड रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू को हाफ से 1/3 किया जा रहा था, रिड्यूस किया जा रहा था। अब इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे तिभागा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बंगाल में 1946 के लास्ट में, तो तिभागा इसी से इन्फ्लुएंस था, याद रखिएगा 1946 वाला, ठीक है। क्वेश्चन 24 कह रहा है, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस प्रिपेयर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस कब प्रिपेयर किया गया था, यह किया गया था मद्रास सेशन 1908 में, ठीक है। 23वां सेशन था कांग्रेस का जो कि मद्रास में हुआ था, राज बिहारी बोस जी इसको प्रिसाइड किए थे, राज बिहारी बोस जी इसको प्रिसाइड किए थे, यहाँ पे कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया था। क्वेश्चन 25 कह रहा है, इन विच ईयर वॉज द लैंड होल्डर सोसाइटी फॉर्म्ड, ये कब फॉर्म हुआ था ये बताना है आपको, तो ये फॉर्म हुआ था 1838 में, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब किसके द्वारा हुआ था ये समझिए, ये सबसे पहले इसको जो सेटअप किया गया था वो किया गया था द्वारका नाथ टैगोर, किसके द्वारा, द्वारका नाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। ईयर याद रखिएगा, ईयर इंपॉर्टेंट है, 1838 में द्वारका नाथ टैगोर जी के द्वारा, कहाँ पे, तो कोलकाता में। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रेफरेंस टू द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट RTC हेल्ड इन लंदन फ्रॉम 12 नवंबर 1932 19 जनवरी 1931, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव को मैच करना है फॉर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच हेल्ड इन लंदन, ठीक है। तो देखिए दलित्स की तरफ से कौन थे रिप्रेजेंटेटिव, भीमराव अम्बेडकर जी थे, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। चलिए सेकंड, बिजनेस क्लास की तरफ से होमी मोदी जी थे, मोदी जी यहाँ भी वहाँ भी एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। सिक्स की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह जी थे, ये भी करेक्ट है, तीनों का तीनों करेक्ट है, तो यहाँ पे रॉन्ग जो है वो नन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। 27 देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अहमदिया मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, तो ये बताना है आपको, तो ये थे आपको मिर्जा गुलाम अहमद जी, ठीक है। मिर्जा गुलाम अहमद जी वो फाउंडर थे अहमदिया मूवमेंट के। अगर हम लोग बेसिक गोल की बात करें इस मूवमेंट के, तो इस्लाम को रेस्क्यू करना था किसी भी क्रिश्चियन मिशनरी के इन्फ्लुएंस से, ठीक है। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाई सर विलियम जॉन्स, सर विलियम जॉन्स ने कौन से टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया था फ्रॉम इंग्लिश, फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश, ये किया गया था आपको अभिजन शकुंतलम, अभिजन शकुंतलम को किया गया था, ठीक है। और कब किए थे ये, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो लिखा गया था अभिजन शकुंतलम, ये लिखा गया था आपको कालिदास के द्वारा, ठीक है, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है 1789 AD में। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, 29 कह रहा है, रामप्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान, इन दोनों को डेथ सेंटेंस हुआ था अंडर विच कॉन्स्पिरेसी केस, तो वो था आपको काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस,
तो ऑप्शन ये हो जाएगा, इसको काकोरी एक्शन डे भी अब कहा जा रहा है भाई। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि इसको काकोरी एक्शन डे कहा जाए। अगस्त 1925 में आपको पता होगा जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने लूट किया था गवर्नमेंट ट्रेजरी को, एक ट्रेन थी उससे, काकोरी एक विलेज है लखनऊ के आसपास, इसमें चार लोगों को लिया गया था, मतलब कैप्चर किया गया था, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान भी थे उसमें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज वंदे मातरम यूज एक्सटेंसिवली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वंदे मातरम जो स्लोगन है उसको कब बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था एक्सटेंसिवली, तो ये यूज़ किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के वक्त, जैसे ही बंगाल डिवीज़न हुआ 1905 में, ठीक है, उसका जो आउटब्रेक था ना वो स्वदेशी मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। तो वंदे मातरम को यूज़ किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के वक्त, जो कि 1905 में ही हुआ था। जो स्ट्रीट्स था कोलकाता का वो बहुत ज़्यादा स्लोगन से भर गया था और बाद में इसको इंटायर नेशनल मूवमेंट में पार्ट बना दिया गया था, ठीक है। 31 कह रहा है विच अमेरिकन विच यूरोपियन कंपनी वॉज द लास्ट टू अराइव इन इंडिया, फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो, ये कौन था पहले ये बताइए। वो थे पोर्तुगीज, फर्स्ट टू कम 1498 एंड लास्ट टू गो 1961, ठीक है, वो पोर्तुगीज थे जो गोवा लेफ्ट किए थे 1961 में। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच यूरोपियन कंपनी वॉज द लास्ट टू अराइव, सबसे आखिरी माने वाले कौन थे, वो थे आपको स्वेडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो वो हो जाएंगे ए। सीक्वेंस अगर जान लीजिए, पी डी ई डी एफ एस, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश दैट इज इंग्लिश, दानिश, फ्रेंच एंड स्वेडिश, कुछ ट्रिक बना लीजिए, ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है विच लेटर मुगल रूलर एबोलिस्ट द जजिया टैक्स इम्पोज बाय औरंगजेब, तो कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने एबोलिस्ट कर दिया था जजिया टैक्स जो कि औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था उसको। तो ये रूलर थे आपको बहादुर शाह वन वॉज द वन हु हैज़ एबोलिस्ट द जजिया टैक्स। देखिए बहादुर शाह वन जो थे ना उन्होंने पीसफुल पॉलिसी को बहुत अडॉप्ट किया था अपने रीन में 1707 से 1712। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है जिससे क्या होता है मुगल्स की डिक्लाइन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो बहादुर शाह जो आते हैं ना वो एक पीसफुल पॉलिसी को अपनाते हैं 1707 से 12 तक में, जजिया टैक्स को एबोलिश करते हैं, ठीक है, मुगल के कैप्टिविटी से बहुत लोगों को आज़ाद करते हैं, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के साथ ट्रीटी कर लेते हैं। चलिए याद रखिएगा बहादुर शाह वन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है इन विच ईयर डिड द इंडिगो पीजेंट रिवोल्ट टेक प्लेस, इंडिगो पीजेंट रिवोल्ट टेक प्लेस इन 1859 से 1860, ये याद रखिएगा इंडिगो पीजेंट रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिहार एंड बंगाल वाले रीजन में हुआ था और इनके जो लीडर थे ना वो थे दिगंबर विश्वास, दिगंबर प्लस विष्णु विश्वास, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक प्ले भी एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक प्ले किया गया था इसी पे, उस प्ले का नाम बताइएगा और उस प्ले को उठाया गया आनंद मठ से, ये आप बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, ये आनंद मठ से नहीं लिया गया है, ठीक है, ये जो नील दर्पण है ना इसको लिखा गया है, एक बंगाली प्ले था जो कि लिखा गया था किनके द्वारा, दीनबंधु मित्रा जी के द्वारा, ये याद रखिएगा दीनबंधु मित्रा जी के द्वारा। बेसिकली जो सोशल एजिटेशन था इंडिगो फार्मर्स का उसको ही इससे दिखाया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा आनंद मठ से तो हम लोग को पता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, फ्रॉम विच प्लेस डिड द रॉयल नेवी रिबेलियन स्टार्ट इन ऑन 18 फेब 1946, कौन से प्लेस से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था बॉम्बे से, ठीक है। रॉयल नेवी म्यूटिनी इनिशिएट हुआ था 18 फरवरी 1946 को, कब स्टार्ट हुआ था 18 फेब 1946 को, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था बॉम्बे से, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक नेवी ट्रेलिंग एक ट्रेनिंग शिप थी HMIS तलवार जो कि बॉम्बे में थी और वो मेन रीज़न था कि मेन रीज़न क्या था आखिर इस रिबेलियन का, कि उनको खाना ढंग का नहीं मिलता था,
पे ले मिलता था, लो मिलता था, और रेशियल इंसल्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 35 कह रहा है, हु रोट द बुक द इंडियन मुसलमान्स, इंडियन मुसलमान्स को किसने लिखा है ये समझते हैं। तो देखिए 1870 में विलियम हंटर की बुक थी द इंडियन मुसलमान, कौन किन के द्वारा लिखा गया था, विलियम हंटर जी के द्वारा लिखा गया था, और कब लिखा गया था, 1870s में। ठीक है, इन्होंने इसमें बताया था किस तरीके से इंडियन मुस्लिम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं है, तो डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये देखना है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये देखना है। इलेक्शंस इन आवर कंट्री आर द कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन, एब्सोल्युटली करेक्ट, इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं होता किसी का इसमें, ये ध्यान रखिएगा, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जो अभी हमारे इलेक्शन होते हैं हमारे कंट्री में, वो कंडक्ट किया जाता है एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के द्वारा, वो है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम लोग बात करें सेकेंड ऑप्शन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द इलेक्शन कमिश्नर इज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। देखिए सबसे पहले चीफ एंड जो भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये तो सही है, लेकिन वो किसी भी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से अलग होते हैं, तभी तो कहा जा रहा ना ये ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो इवन प्रेसिडेंट के लिए भी आंसरेबल नहीं होते हैं या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव के लिए, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की किस आर्टिकल के एम्बिट में आती है। तो यहाँ स्टेटमेंट 1 सिर्फ करेक्ट है, तो ए हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉल्स स्टेटमेंट वाइल कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा फॉल्स है ये देखना है। अब हमें क्या देखना है ये समझिए, फॉल्स स्टेटमेंट को पिक करना है। ठीक है, चलिए मिजोरम एंड नागालैंड हैव इक्वल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, अगर मिजोरम एंड नागालैंड की बात करें तो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, तो फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा है खोजने को। ऑप्शन ए कह रहा है मिजोरम एंड नागालैंड हैव इक्वल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। ठीक है, यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लोकसभा सीट्स आर इक्वल इन ऑल यूनियन टेरिटरीज, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर हम लोग लोकसभा सीट्स की बात करें तो ये इक्वल नहीं होता यूनियन टेरिटरीज में। नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स की बात करें दिल्ली में 7 है, जम्मू एंड कश्मीर में 5 है, दिल्ली में 7, JNK में 5, याद रख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की बात करें, दादर एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव की बात कर लें तो इस दोनों में आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लद्दाख, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप में 1 मिल जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो आपको कभी करेक्ट नहीं हो सकता, तो आंसर बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में सबको पता है हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है। क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है, द फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द सोवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया इज प्लेस्ड ऑन विच ऑर्डर इन फंडामेंटल ड्यूटी लिस्ट, तो ये किस ऑर्डर में लिखा है, तो ये 3rd में लिखा है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द सोवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वॉज प्लेस्ड इन द 3rd ऑर्डर अंडर आर्टिकल विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 51 क्लॉज ए, आर्टिकल 51 क्लॉज ए में ये मेंशन है आपको। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन 39 पे, विच रिट विल बी इश्यूड बाय द कोर्ट टू प्रेजेंट एंड अरेस्टेड पर्सन बिफोर द कोर्ट, मतलब आपको अरेस्टेड जो पर्सन है उनको कोर्ट के पास प्रोड्यूस करना है, उनको लेके आना है मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, तो वो आपको होता है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, मैनर्समस क्वो वारंटो सर्टियोरिटी नहीं होता है, वो होता है आपको हैबियस कॉर्पस, जिसमें कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं कि जो भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको पहले कोर्ट में इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट आप उसको पेश करो। ठीक है, और अगर मान लो किसी इलीगल वे से अगर आप उसको अरेस्ट कर रखे हो तो यू विल हैव टू रिलीज द अरेस्टेड पर्सन, तो वो है आपको हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे नन हो जाएगा। क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए ट्रू पूछ रहा है,
तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो दलित्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरिंग अ टेम्पल ऑफरिंग प्रेयर्स एंड यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एज पर द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव प्रोविजन्स ऑफ अनटचेबिलिटी अकॉर्डिंग टू विच कोई भी दलित जो होंगे वो प्रिवेंट नहीं कर सकते किसी फॉर्म ऑफ एजुकेशन से, टेम्पल एंट्री से और किसी भी पब्लिक फैसिलिटीज को यूज करने के लिए. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ मूव टू द सेकेंड ऑप्शन. दलित्स कैन रिसॉर्ट टू आर्टिकल 15 इफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज वायलेटेड. आर्टिकल 15 की बात करें तो वहाँ सारे के सारे सिटीजन्स को कंसिडर किया जाता है कि आप किसी भी सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. तो दलित्स तो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे. सो दे कैन टेक द रिसॉर्ट ऑफ आर्टिकल 15 ऑल्सो. सो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. आंसर हमारा सी हो जाएगा. क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है. मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का ध्यान रखिएगा, आर इलेक्टेड टू द इंडियन पार्लियामेंट. तो किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, क्या उनको डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया जाता है? बिल्कुल रॉन्ग. बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा ऑफ द स्टेट, बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अगर हम लोग बात करें जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको पार्लियामेंट में इलेक्ट कहाँ से किया जाता है, तो उनको किया जाता है जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट के. मैं असेंबली की बात कर रहा हूँ, काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा. तो आंसर हमारा हो जाएगा सी. ठीक है, इसमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. एक चीज़ याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर ज़्यादा फोकस रखिएगा. ठीक है, क्वेश्चन जब इससे आता है लोग अच्छे से अगर इसको नई ढंग से याद रख सकते हैं तो ये गलती हो जाती है. ठीक है, 42 अगर बात करें, कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द 8th शेड्यूल से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड. देखिए, नॉट रिलेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ द 8th शेड्यूल. तो ये है आपको कौन सी है, तो वो है आपको 26th. तो 26वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है की बात करें जो कि 1971 में आया था. कब आया था ये भी जान लीजिए, 1971 में, जो डील करती है एबोलिशन ऑफ प्राइवेसी पर से एंड प्रिविलेज ऑफ द रूलर्स ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट. ठीक है, सिंधी लैंग्वेज की बात करें, इंक्लूड किया गया था 8th शेड्यूल में बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो यहाँ पे सिंधी को ऐड किया गया था. कब किया गया था, 1967 में. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. तो 21वां अमेंडमेंट से, 21st अमेंडमेंट से सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में 1967 में सिंधी को ऐड किया गया था. ठीक है, याद रखिएगा, इनको एग्ज़ाम में पूछता है डायरेक्टली. ठीक है, अगर कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली की बात करें, इसको ऐड किया गया था 71st में. किसको कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को 71st में ऐड किया गया था. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया है और इसको लाया गया था 1992 में. अगर बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली की बात करें तो इसको ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और इसको कब ऐड किया गया था, 2003 में. तो ये क्वेश्चन अगर आप वाकई अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करके जाना चाहिए. तो 26वां नहीं था, बाकी सारा था. ये क्वेश्चन को अपने नोट्स में डाल सकते हो. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 43 देखते हैं. द प्रपोजल टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फर्स्ट ब्रॉट बाय. किनके द्वारा सबसे पहली बार इसको ब्रॉट किया गया था. ठीक है, तो ये लाया गया था आपको क्रिप्स मिशन के द्वारा. ये प्रपोजल जो था वो क्रिप्स मिशन के द्वारा लाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इलेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ. लेकिन कब लाया गया था, वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ था तब. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 44 देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट हु वेयर ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट. तो इनमें से कौन थे जो प्रेसिडेंट थे लेकिन प्रेसिडेंट बनने से पहले वो वाइस प्रेसिडेंट थे. ठीक है, अगर हम लोग बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये भी तो थे ही, आपको पता होना चाहिए. वीवी गिरी जी भी वाइस प्रेसिडेंट थे. बीडी जट्टी जी वाइस प्रेसिडेंट थे. आर वेंकट रमन ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे. उसके साथ साथ शंकर दयाल शर्मा जी भी वाइस प्रेसिडेंट थे. यहाँ तीनों के तीनों हैं. तो एक और नाम याद रखिएगा, के आर नारायण. मैं आपको बता देता हूँ, वो प्रेसिडेंट्स जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे फिर प्रेसिडेंट बने हैं उनके नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जट्टी जी, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा एंड के आर नारायणन. सो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है, मेनका गांधी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया. देखिए जो स्पेशल केसेस होते हैं ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, बहुत बढ़िया. अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है. तो मेनका गांधी
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फॉरेन टूर्स पे था, बिल्कुल करेक्ट। पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन राइट टू प्राइवेसी, एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों करेक्ट हो गया। इंदिरा सहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तीनों का तीनों करेक्ट है, तो यहाँ नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो नन यहाँ पे नॉट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें, वैसे ग्रासलैंड होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में बोथ साइड में पाए जाएंगे इक्वेटर के, ठीक है। इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर हो गया आपको, ठीक है। ये जो बेल्ट होता है ना, ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली कौन सी जो कि इक्वेटर के दोनों साइड पाए जाते हैं वो ग्रासलैंड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं है ये पूछ रहा है। सवाना ट्रॉपिकल है जो कि ईस्ट अफ्रीका वाले रीजन में मिलता है, ईस्ट अफ्रीका, तो ये ट्रॉपिकल रीजन तो हो ही गया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से, रुक जाइए। ये हमारा अर्थ हो गया, ये आपको इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिकल बेल्ट हो गया, ठीक है। तो अगर इस रीजन में कोई भी ग्रासलैंड होगा वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगा, ठीक है। तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों में फॉल करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब सवाना जो है वो ईस्ट अफ्रीका में फॉल करता है, ब्राज़ील में कैंपोश है, ब्राज़ील में, ये ग्रासलैंड के साथ आपको ये भी याद होना चाहिए। नहीं याद हो रहा है तो एक ट्रिक की वीडियो में बना रखा हूँ, उसको भी आप देख सकते हो। वेनेजुएला में लैनोस है, ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला की बात करें तो ये ऑयल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी यहीं पे है, ऑयल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, और यहाँ पे एक ऑयल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ये सारे का सारा आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर ही फॉल होता है, ठीक है। अगर हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो ये आपको मिड लैटिट्यूड में पाया जाएगा, जैसे इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में, जैसे पैम्पास हो गया जो अर्जेंटीना वाले रीजन में पाया जाता है, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड हो गया, ऑस्ट्रेलिया डाउन एंड डॉन पढ़ सकते हैं उसको, सेंट्रल एशिया में स्टेपे मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन डैश ग्राम ऑफ वाटर। अगर आप 1000 ग्राम ऑफ वाटर को लेते हो, 1000 ग्राम ऑफ वाटर लेते हो, तो जो भी सॉल्ट कंटेंट होगा ना उसी को सैलिनिटी कहेंगे, कितना सॉल्ट प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। अगर हम लोग एवरेज सैलिनिटी की बात करें ओशन की, तो 35 ग्राम पर 1000 ग्राम होता है, ठीक है, तो 1000 हो जाएगा यहाँ पे। विच इज़ द सेकेंड मेजर वाटर सोर्स, सेकेंड मेजर वाटर सोर्स आफ्टर ओशन वाटर ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। तो बताना है आपको, सबसे पहले समझ लीजिए कि ओशन होता है, ओशन कितना होता है, अगर वाटर सोर्स की बात करें तो ये अगर नियरली 97% होता है अर्थ पे, ठीक है। उसके बाद होता है आइस कैप और ग्लेशियर, जो कह लीजिए ग्लेशियर, जो कि 2% है, तभी तो ग्लेशियर एक्शन को ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम लोग कहते रहते हैं ना। फिर ग्राउंड वाटर है, ये सीक्वेंस एकदम याद होना चाहिए, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये पूछेगा, ये लगभग 0.68% होता है। फिर फ्रेश वाटर और लेक्स कह लीजिए, जो कि 0.009% होता है। फिर एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट है वो आपको है 0.0019%। आप डिजिट्स पर याद मत रखिए, टॉप थ्री का याद रखिएगा, बाकी नेम तो याद रहना चाहिए कब कौन है। फिर रिवर्स है, आप समझ लो रिवर्स सबसे कम है वाटर सोर्स में, ठीक है। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, ओशन, फिर ग्लेशियर, फिर ग्राउंड वाटर, फिर लेक्स, एंड देन एटमोस्फेरिक एयर्स वाटर, एंड देन रिवर्स। तो सेकेंड मोस्ट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपको आइस कैप्स, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमिकल पोजिशन, कौन सा ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल पोजिशन है। एस्ट्रोनॉमिकल पोजिशन कहने का यह मतलब हुआ सन और मून और अर्थ के बीच के लोकेशंस को, लोकेशन को दिखाना, ठीक है। तो द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमिकल पोजिशन रिप्रेजेंट्स द, कौन से फिनोमिना को रिप्रेजेंट करेगा, सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, तो सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाता है तो कौन सा फिनोमिना होगा। जब भी मून आपको आ जाएगा सन और अर्थ के बीच में तो सोलर इक्लिप्स आता है, और अगर सोलर इक्लिप्स होता है तो ल्यूनर इक्लिप्स हाई टाइड जनरेट होता है। तो वो कौन कौन हो जाएगा, सोलर इक्लिप्स तो मेन फिनोमिना हो जाएगा, एंड सोलर इक्लिप्स इन टर्न्स ल्यूनर इक्लिप्स एंड हाई टाइड विल बी द सब्सिक्वेंट रीजन। तो ए बी एन सी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन 50 पे चलते हैं, कह रहा है व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल पॉपुलेशन चेंज, कौन सा ऐसा फैक्टर है
जो पॉपुलेशन चेंज पे इफेक्ट डालता है। तो एक चीज़ समझिए, या तो आदमी बर्थ लेगा तो भी पॉपुलेशन चेंज होगा, डेथ पे भी पॉपुलेशन चेंज होगा, एंड माइग्रेशन पे भी पॉपुलेशन चेंज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 51 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अब देखिए पैटागोनिया ना आप मैपिंग कीजिएगा, हम लोग डेली शेड्यूल में डालते हैं, तो पैटागोनिया जो डिज़र्ट है ना वो एक एरिड डिज़र्ट है, वो आपको अर्जेंटीना वाले रीजन में लोकेटेड है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर हम लोग अचाकामा की बात करें तो आपको ये नदर्न चिले में मिलेगा, उज्बेकिस्तान में नहीं, चिले वाले रीजन में मिलेगा। ठीक है, साउथ अमेरिकन रीजन में। ठीक है, जो आपको पट्टी दिखती है उस पर। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें काराकुम रीजन की, काराकुम डेजर्ट की, तो ये आपको तुर्कमेनिस्तान रीजन में दिख जाएगा, दिखने को मिल जाएगा, तुर्कमेनिस्तान वाले रीजन में। ठीक है, और एक और जान लीजिए, चाइना का एक टकला मकान होता है, ये चाइना का होता है। एक गोवी डेजर्ट होता है, ये आप बताइएगा मुझे कहाँ का है। ठीक है, थार तो पता ही होगा, थार इंडिया एंड पाकिस्तान में फॉल करता है। क्वेश्चन 52 कह रहा है इफ़ द टाइम एट 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज 2 PM व्हाट इज़ द टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो कह रहा है कि 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में 2 PM हो रहा है, तो 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ समझिए, एक डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है ना वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 4 मिनट डिफरेंस के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो आप देखिए अगर तो एक डिग्री लॉन्गिट्यूड आपको 4 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करता है। अब देखिए आपको 15 डिग्री वेस्ट से 45 डिग्री ईस्ट जाना है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। 45 डिग्री ईस्ट से 15 डिग्री वेस्ट से 45 डिग्री ईस्ट जाना है, तो डिफरेंस हो गया 60 डिग्री का। एक डिग्री कॉन्ट्रीब्यूट करता है 4 मिनट, तो वट विल 60 डिग्री कॉन्ट्रीब्यूट, तो इट विल कॉन्ट्रीब्यूट 240 मिनट्स। इफ़ यू विल डिवाइड दिस विथ 60, अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 4 आवर्स। ठीक है, 4 घंटा। अब हम लोग मूव कहाँ कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं, क्योंकि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो टाइम बढ़ेगा एडिटिवली, देर विल बी एन एडिशन ऑफ 4 आवर ऑफ टाइम, देन इट विल बी 6 PM ऑन द क्लॉक, सो आंसर विल बी सी। अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है ना, तो मैंने घटना चक्र की प्लेलिस्ट में ये टॉपिक डाल रखा है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके डाल रखा है, आप एक बार देख लेना, आपके डाउट नहीं क्लियर हो फिर बताना। ठीक है, चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा वेयर इज द लेब्राडोर करंट लोकेटेड, जो करंट है, जो वेव होता है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड के बीच में है, नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड के बीच में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेब्राडोर के बारे में बात कर लें तो ये कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है। ठीक है, और सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट कॉस्ट ऑफ ग्रीनलैंड पे ये फ्लो करता है, और इसका हमेशा जो डायरेक्शन होता है वो इक्वेटर से पोल की तरफ होता है। ठीक है, क्वेश्चन 54, इन विच स्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू मेटेराइट्स इंटरिंग फ्रॉम स्पेस बर्न व्हेन दे इंटर दिस। देखिए सीधी सी बात है, मेजोस्फेयर में जो आता है, जब मेजोस्फेयर में इंटर करता है, मेजोस्फेयर में जब इंटर करता है ना, मेटेराइट को इतनी फ्रिक्शन मिलती है ना कि वो बर्न कर जाता है, जल जाता है। मेजोस्फेयर की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, आईमोस्ट, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरीके से आइनोस्फेयर, मेजोस्फेयर। अब देखिए जब मेजोस्फेयर आता है, वो तीसरा लेयर होता है एटमोसफेयर का, ये आपको लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के हाइट पर पाया जाता है एटमोसफेयर में। मेटेराइट बॉडीज जो इंटर करती है स्पेस से, वो जल जाती हैं आकर के जब इस लेयर में इंटर करती हैं। बहुत ही कम ऐसे एक्सेप्शंस होंगे जो अर्थ तक आ पाती हैं, अदरवाइज मैक्स टू मैक्स सारी की सारी जल जाती हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 55 पे। वेयर इज द कोरल सी लोकेटेड, कोरल सी लोकेटेड कहाँ पे है, ये आपको बताना है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में मिलेगी कोरल सी। कोरल सी की बात करें तो मार्जिनल सी है, साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, आपको नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोरल आइलैंड की बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता होगा, ग्रेट बैरियर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये हर लोग
कभी ना कभी इसको सुने हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, यहाँ स्कूबा ड्राइविंग बहुत, डाइविंग बहुत फेमस है, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो लोकेटेड है आपको कोरल सी में, और कोरल सी जो है वो आपको मार्जिनल सी है साउथ पैसिफिक ओशन वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 56 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमी सर्वे 22-23, ठीक है, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP की ग्रोथ रेट पूछ रहा है एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। देखिए दो प्राइसेस होता है, एक कॉन्स्टेंट प्राइस होता है, एक करंट प्राइस होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। कॉन्स्टेंट प्राइस किसी एक रेफरेंस ईयर को मान के किया आता है, करंट प्राइस एट प्रेजेंट ईयर को कंसीडर करके उससे रेफरेंस में लिया आता है। कॉन्स्टेंट हमेशा याद रखें, मान लीजिए 2022 चल रहा है, तो मान लीजिए 17-18 को हमने कॉन्स्टेंट ईयर मान लिया, तो उससे निकालते हैं हम लोग उस डिफरेंस को, ठीक है। तो 56 में बिहार इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रेट है GSDP का एट कॉन्स्टेंट प्राइस, इट वॉज 11%, ठीक है, तो 11% है, याद रखिएगा। और अगर करंट प्राइस की बात कर ले तो वो भी जान लीजिए वो 15% है अभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है देखते हैं, फिर से इकोनॉमी सर्वे का क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन द स्टेट ऑफ प्रेजेंट। अभी एट प्रेजेंट में हमारे बिहार में अर्बनाइजेशन रेट क्या है ये आपको बताना है, तो ये आपको 16.21% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, कह रहा है द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द फिनेंशियल ईयर 23-24 इज एस्टिमेटेड टू बी द व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार GSDP। तो देखिए फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या हुआ, आपने कितना रिसिप्ट कमाया है माइनस आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, मतलब कहते हैं ना कितना कमाया हो कितना खर्च किया हो इसके डिफरेंस को देखना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर 23-24 के फिनेंशियल ईयर को देखें तो बिहार की GDP GSDP में फिस्कल डिफिसिट कितना परसेंटेज है ये बताना है, ये आपको अभी 2.98% है, ठीक है। क्वेश्चन 59 पे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट 23-24 व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार, ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इज 15.24%। ये आपको मैं बजट 23-24 के हिसाब से बता रहा हूँ। मूविंग टू द क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 प्रायोरिटीज ऑफ डिटरमाइंड डेवलपमेंट नेम सप्तृषि इन द यूनियन बजट 23-24। यूनियन बजट 23-24 में जो सप्तृषि डेवलपमेंटल नेम्स जो लाया गया है, प्रायोरिटीज लाया गया है, उसमें से कौन कौन नहीं है ये बताना है, कौन नहीं है। तो बेसिकली जो 7 प्रायोरिटीज है इसको सप्तृषि कहा गया है, जो डेवलपमेंट को डिटरमाइन करेगा वो कौन कौन सा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिर रीचिंग द लास्ट माइल, रीचिंग द लास्ट माइल, नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ इज अनलॉकिंग द पोटेंशियल, फिफ्थ इज ग्रीन ग्रोथ, सिक्स्थ इज यूथ पावर, सेवेंथ इज फिनेंशियल सेक्टर, ठीक है। तो इसमें अनलीजिंग द पोटेंशियल भी है, ग्रीन ग्रोथ भी है, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर भी है, अब देखिए इसमें फाइनेंशियल सेक्टर भी है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी है, रीचिंग द लास्ट माइल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट भी है, अनलॉकिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, ये सारा है। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव फॉलन ड्रास्टिकली ड्यूरिंग 2022 अकॉर्डिंग टू RBI डाटा, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट द एंड ऑफ दिसंबर 2022 के डाटा से पूछ रहा है। तो ये आपको लगभग $562 था, $562 बिलियन, ठीक है, $562 बिलियन था आपको, ये क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, इन दिसंबर 2022 अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू अबाउट 81 करोड़ पॉपुलेशन फॉर, कितने साल की बात थी, तो ये 1 ईयर की बात थी, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिसंबर 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस किया कि वो फ्री फूड प्रोवाइड करेंगे लगभग 81 करोड़ लोगों को एक साल तक कंटिन्यूसली। 63 कह रहा है, द भंडारी कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, भंडारी कमेटी किससे रिलेटेड है। देखिए पहले भंडारी कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं, भंडारी कमेटी को सेट किया गया था 1978-80 में, भंडारी कमेटी जो है ना वो 1994-95 में सेटअप किया गया था, 1994-95 में सेटअप किया गया था। बेसिकली इसको लाया गया था रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मिंग रूरल बैंक्स, रूरल बैंक्स के लिए, ये याद रखिएगा, रूरल बैंक्स के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए लाया गया था इसको, ठीक है,
क्योंकि उस वक्त की बात अगर हम करें 94-95 में, तो रूरल बैंक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे। यह कमेटी ने बताया था किस तरीके से बेनिफिशियल बना सकते हैं हम लोग रूरल बैंक को बैंकिंग सिस्टम के तहत जा करके, ठीक है। तो रूरल बैंक के लिए था तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए था नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए था नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का कह रहा है, हू अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान की बात कर लेते हैं। देखिए, रोलिंग प्लान आया था 1978 से 80s के बीच में, ठीक है। ये किसके द्वारा लाया गया था? ये आपको लाया गया था गुन्नेर मार्डल, तो इनके द्वारा ये टर्म को कॉइन किया गया था, ठीक है। उनकी एक बुक थी एशियन ड्रामा, उसमें, ठीक है। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें रोलिंग प्लान की, तो ये जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, हैरोडोमर गडगिल नहीं, पीसी महाबलोनीज नहीं, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है देखते हैं। हाँ, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938। तो 1938 में जो बनाया गया था कमिटी, नेशनल प्लानिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1938 में। उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे जेएल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। उनको चेयरमैन बनाया गया था नेशनल प्लानिंग कमेटी की, जो कि फॉर्म किया गया था कांग्रेस के द्वारा 1938 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि किस तरीके से इम्फेसाइज किया जाएगा प्लान डेवलपमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऑन द फैक्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन की अगर हम बात करें, नेचुरल सेलेक्शन की अगर हम लोग थ्योरी की बात करें, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये किसके द्वारा लिया गया था? ये दिया गया था डार्विन जी के द्वारा। चार्ल्स डार्विन ने डिस्क्राइब किया था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। उनकी एक बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, बुक का नाम याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है। अब डार्विन के अकॉर्डिंग कुछ जेनेटिक चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि एक डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके साथ साथ ये चेंज करता है, वैरी करता है। कुछ यूजफुल ट्रेट्स चेंज होते हैं, कुछ ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। द बैक्टीरिया दैट पार्टिसिपेट इन डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन को कम करना, नाइट्रोजन का कॉम्पोनेंट कम करना। तो अगर हम लोग बात करें, वैसे बैक्टीरियाज जो डीनाइट्रिफिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो आपको कौन कौन से हैं, एक चीज समझ लीजिए। एक तो आपको माइक्रोबैसिलस बैक्टीरिया भी होता है, वो भी कन्वर्ट करता है। एंड उसके साथ अगर हम बात करें तो थियोबैसिलस बैक्टीरिया भी डीनाइट्रिफिकेशन करता है। तो माइक्रोबैसिलस एंड थियोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में, ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और अमोनिया के कंपोनेंट्स कंपाउंड्स में सॉइल में जो प्रेजेंट होता है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। जो मैकेनिज्म है ट्रांसफॉर्मेशन का उसी को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अगर हम लोग साइनोबैक्टीरिया की बात करें, ये अपना खाना खुद बनाता है, किसके प्रेजेंस में? तो लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट, ठीक है। तो ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो अपने फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर, क्योंकि थियोबैसिलस एंड माइक्रोबैसिलस बैक्टीरिया बोथ हेल्प्स इन पार्टिसिपेशन ऑफ द डीनाइट्रिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 68। कहता है, स्नेल्स सेल्स ओइस्टर्स कटलफिश ऑक्टोपस आर द ऑर्गेनिज्म ऑफ विच आर द फॉलोइंग फाइलम। कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? देखिए, स्नेल्स हो गए, ओइस्टर्स हो गए, कटलफिश हो गए या ऑक्टोपस हो गए, ठीक है। ये आपको मोलस्का फाइलम से बिलोंग करते हैं, फैमिली से, ठीक है। अब देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम लोग ये डिसाइड कर पा रहे हैं। पहली बात कि जो इस फाइलम में बिलोंग करेगी मोलस्का में, उसकी बॉडी जो होगी ना उस ऑर्गेनिज्म की सॉफ्ट होगी, ठीक है। दूसरी बात कि जो ऑर्गेनिज्म इसमें होंगे उसके जो सेल होंगे वो कैल्शियम के बने होंगे, ठीक है। एक चीज़ और समझिए, जो मोलस्का फैमिली से बिलोंग करते होंगे वो अपने फीट में मस्कुलर फीट से वो ट्रैवल करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप देखिए, अगर आपको देखने को मिल जाए कभी ऑक्टोपस तो आपको दिख जाएगा वो पूरा मस्कुलर होते हैं, ठीक है। लास्ट बात यह है, उनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है ना वो ओपन होती है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 69 पे। पिगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपको प्लास्टिड्स। प्लांट सेल में जो पिगमेंट होते हैं वो प्लास्टिड्स होते हैं, जो कि कलर्स देते हैं सेल को। प्लांट सेल की बात करें, प्लास्टिड जो है वो वर्क करता है और साथ साथ में स्टोर करता है फूड को, वर्क करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड और स्टोरिंग ऑफ फूड। और अगर हम लोग बात करें लाइसोजोम्स की, तो लाइसोजोम्स तो प्लांट सेल में पाया ही नहीं जाता है,
माइटोकॉन्ड्रिया बचपन सुनते आ रहे हैं, इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। चलिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर कंसिस्ट, देखिए अगर कोई एक फ्लावर जो बाइसेक्सुअल है मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा, जिसमें दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जिसको कार्पेल कहते हैं एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन स्टामेन दोनों प्रेजेंट होगा, तो बाइसेक्सुअल की बात कर लें तो स्टामेन एंड कार्पेल दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट की, तो पी हो जाएगा, हिबिस्कस हो जाएगा, उरूल का पेड़, ठीक है। क्वेश्चन 21 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर रहा है। अब इसमें से कार्बोहाइड्रेट में करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, ग्लूकोज इज कॉल्ड ब्लड शुगर, ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ डाई सैकराइड इज पॉसिबल, वैसे सैकराइड्स वैसे शुगर जो डाई मॉलिकुलर फॉर्म में है उनका वाटर डिकम्पोजिशन, वाटर से उसको डिकम्पोज किया जा सकता है, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड कह रहा है पॉलीसेक्राइड्स मतलब एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बनते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, वैसे शुगर जो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बनेंगे वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, ये भी करेक्ट है। अब कह रहा है लास्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोसेक्राइड्स कैन बी कैरिड आउट, तो ये रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग है इसको देखते हैं। देखिए सबसे सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट तीन तरीके का, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड की बात कर लें तो शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, हाइड्रोलिसिस उसका पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तो आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग डाइसेक्राइड के बारे में बात कर ले, दो शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, एग्जांपल इसका हो गया सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है। डाइसेक्राइड की बात कर लें तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम लोग पॉलीसेक्राइड की बात कर लें जहाँ पे मोर देन टू शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जैसे एग्जांपल में स्टार्च, साइटीन, सेल्युलोज, ये हो गया आपको पॉलीसेक्राइड्स, यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन 22 पे चलते हैं, द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ पैरालिसिस इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में पैरालिसिस बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा अगर इंसानों के शरीर में किस चीज़ की कमी होगी, तो वो कमी है पोटाशियम की, याद रखिएगा पोटाशियम की, ठीक है। पोटाशियम डिफिशेंसी ऑर्गन फेलियर के रिस्क को बढ़ा देता है, ऑर्गन फेलियर के रिस्क को बढ़ा देगा। अगर आपकी जनरल साइंस वीक है ना, तो घटना चक्र सीरीज की पूरी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स डाल रखा हूँ विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड थ्योरी पार्ट, तो आप उसको देखना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्या कह रहा है, विच सब्सटेंस आर सीक्रेटेड फ्रॉम द गामा सेल प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में जो गामा सेल्स होते हैं उसमें से क्या कौन सा चीज़ सीक्रेट होता है जो हमारे पैनक्रियाज में प्रेजेंट है, तो वो होता है आपको पॉलीपेप्टाइड। अगर हम लोग बात करें तो देखिए गामा सेल से जो कि पैनक्रियाज में प्रेजेंट है उससे पॉलीपेप्टाइड रिलीज होता है, सीक्रेट होता है। अल्फा सेल की बात कर लेते हैं, अगर अल्फा सेल की बात कर लें तो इससे आपको ग्लूकेजोन सीक्रेट होता है, अगर बीटा सेल की बात करें इंसुलिन एमाइलिन सीक्रेटेड होता है, किसमें, बीटा सेल में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, इंसुलिन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एमाइलिन होता है सीक्रेट, और ज़्यादा इसमें रिसर्च नहीं करना, इसको याद करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। गामा सेल की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड होता है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 74 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी यूरिया इज प्रोड्यूस, यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो यूरिया जो होता है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लीवर कन्वर्ट करता है हार्मफुल अमोनिया जो कि प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 75 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाई प्रोटोजोआ विक्टर एग, प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया की बात कर लें तो आपको पता होगा प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये भी एक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया जो एनाफिलो फीमेल एनाफिलोज मस्क्यूटो होती है वो प्रोटोजोआ वेक्टर को कैरी करती है, कौन से प्रोटोजोआ को, तो प्लाज्मोडियम विवैक्स जो प्रोटोजोआ होता है उसको अपने स्टिंक में दबा के लाती है और आपके ब्लड में स्ट्रीम में छोड़ देती है, ठीक है, जिसके कारण आपको मलेरिया हो जाता है, और वो जो एजेंट था उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम विवैक्स। अब देखिए एक होता है स्लीपिंग सिकनेस की बात कर लें, स्लीपिंग सिकनेस भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्रोटोजोआ वेक्टर होता है उसका, इस
कौन से प्रोटोजोआ इसका होता है? इसका प्रोटोजोआ होता है ट्राइपेनोसोमा सोमा, ये प्रोटोजोआ होता है इसका, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की बात कर लें तो देखिए, वैसे चिकन पॉक्स की बात कर लेते हैं, चिकन पॉक्स तो आपको पता होगा वायरस से होता है। न्यूमोनिया की बात कर लें तो ये बैक्टीरियम ही है, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस, ये दोनों जो है, दोनों का दोनों प्रोटोजोआ के वजह से होता है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, एट व्हाट प्रेशर द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज ऑब्टेंड। ट्रिपल पॉइंट कहने का मतलब होता है, एक तो पहले समझिए, सॉलिड लिक्विड प्लस गैसियस फेज, तीनों एक साथ कोएग्जिस्ट करेगी, तीनों एक साथ कोएग्जिस्ट करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा वो प्रेशर का पॉइंट पूछ रहा है जहाँ पे ये तीनों एग्जिस्ट करती है, वो होता है आपको 611.65 पास्कल, ठीक है। वैसा टेम्परेचर एंड वैसा प्रेशर, वैसा टेम्परेचर एंड वैसा प्रेशर जिसपे जो भी स्टेट होते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस, वो इक्विलिब्रियम स्टेज में मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि वेपर कितना बन रहा है, किससे कन्वर्शन किसका हो रहा है, ये पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। और अगर ट्रिपल पॉइंट की बात कर ले प्योर वाटर की, तो 611.65 पास्कल है, ठीक है। पास्कल जो यूनिट होता है वो प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। प्रेशर स्टैंड फॉर फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ 9.467×10^15। देखिए, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर इनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये होगा 15, ठीक है। इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो होगा 15, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड जो नियरेस्ट फॉर्म में होगा, तो इसका प्रॉपर रेंज जो होगा ना, वो 15 है। अब किस तरीके से, अगर कोई भी क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो अगर वो लिखा होगा उसके नियरेस्ट पावर ऑफ 10 के फॉर्म में, नियरेस्ट पावर ऑफ 10 के फॉर्म में, तो यहाँ देखिए, ये जो आपकी जो कंप्लीट वैल्यू है वो नियरेस्ट पावर ऑफ 10 उसके कितने में लिखी है, 10^15 लिखी है। तो जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू जो ऑब्टेंड होगा ना उस पावर का, उस पावर के फॉर्म का, वो 10, जो 10 से 10 के पावर में लिखा होगा वही उसका ऑर्डर ऑफ द नंबर होगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 78 क्या कह रहा है, ऑन व्हाट फोर्स डज द मशीन वर्क दैट मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क। सीधा सा क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, दो तरीके का फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो यूज़ किया जाता है जहाँ पे बटर निकाला जाता है मिल्क से, ठीक है। यह एक वर्चुअल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, जिसका टेंडेंसी होता है कि सेंटर से दूर भागे, ठीक है। देखिए, जैसे ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है, तो एक फोर्स इस तरीके से लगेगा, एक फोर्स इनवर्ड की तरफ लगेगा, पिटल अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो जो हम लोग मिल्क बनाते हैं, बटर बनाते हैं ना मिल्क से, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, फ्यूग करेगा बाहर की तरफ, पिटल होगा पिट की तरफ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगर किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन पे मूव करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इन इक्विलिब्रियम विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन 79 क्या कह रहा है। अंडर व्हाट कंडीशन द वैल्यू ऑफ वर्क कैन बी जीरो। तो वर्क, सीधी सी बात है, पहले वर्क को समझते हैं। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विद डॉट प्रोडक्ट इन देयर हैंड। तो डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वर्क डन हो गया। अगर फोर्स जो लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस दोनों के बीच में जो थीटा, अगर कॉस थीटा कब जीरो होता है, 0110, तो अगर थीटा के वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब एंगल बिटवीन द वर्क एंड द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, तो थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो वर्क डन आपका हमेशा जीरो आएगा ना। समझ में आ रहा है बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन हो जाएगा जब, एक तो ये हो गया कि दूसरे केस में अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जीरो कर देते हैं, आप कितना भी फोर्स लगा लो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। मान लीजिए एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, ब्लॉक रखा है, आप इस पर धक्का लगा रहे हो, फोर्स लगाए जा रहे हो फोर्स इस डायरेक्शन में, मान लो थीटा एंगल से, लेकिन इसकी फ्रिक्शनल वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि ये ब्लॉक घसका ही नहीं, ठीक है। या फिर आपका जो फोर्स था, जो आपने एफ न्यूटन लगा रहे थे इस पर, उसकी मैग्नीट्यूड इतनी थी नहीं जो इसके मास इनटू ग्रेविटेशन जो लग रही है इस पर ऑलरेडी, उसको ये ओवरकम कर पाए, प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, म्यू एफ लग रही है, उसको ओवरकम कर पाए, तो वो कर ही नहीं पा रही है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है उस केस में भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप फोर्स को ही जीरो कर दो तो भी तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, दिस इज ऑल्सो द एब्सोल्यूट कंडीशन।
सो ऑल दीज थ्री कंडीशन विल बी सेटिस्फाइंग इफ वी वॉन्ट वर्क टू बी जीरो. सो ये हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है वेट क्या होता है. वेट एक चीज समझिए, एक मास होता है, एक वेट होता है. मास का मतलब क्या हुआ, मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी, ठीक है. तो अगर आप सन पे ले जा रहे हो, मून पे ले जा रहे हो, इक्वेटर पे ले जा रहे हो, पोल पे ले जा रहे हो, कहीं भी लेके जा रहे हो, मास तो उस ऑब्जेक्ट का सेम होगा. अगर आप एक सिलेंड्रिकल वायर को ले जा रहे हो अर्थ पे, मून पे, तो उसके अंदर की जो मटेरियल हो तो सेम ही रहेगी. लेकिन वेट क्या होता है, वेट क्या होगा, मास व्हेन ग्रेविटी विल एक्ट, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी एक्ट विल बी वेट, ठीक है. तो ग्रेविटेशन की वैल्यू तो चेंज करेगी. आप इक्वेटर पे जाओ, पोल पे जाओ, अलग अलग ग्रेविटी मिलेगी. मून पे जाओ, अलग ग्रेविटी मिलेगी. तो हमारा मास किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट चेंज होता है, ठीक है. अब यहाँ कंडीशन बताना है आपको. अब ये आपका अर्थ है, ठीक है. ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया, ये पोलर लाइन हो गया, ठीक है. नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल हो गया. अब कह रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इक्वेटर पे ले जाते हैं, लेट्स से द कंडीशन दिस, इक्वेटर इक्वेटोरियल बेल्ट पे ले जाते हैं या फिर उसको पोल पे ले जाते हैं, तो कंडीशंस बताना है. तो क्या मास, अगर वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अगर हम लोग इक्वेटर पे रखते हैं, इक्वेटर वाले पोजीशन पे, तो उसकी वेट ज़्यादा होगी अर्थ के इक्वेटर पे, या फिर वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगी पोल पे, या फिर इसका रिवर्स कंडीशन भी दे रखा है, ठीक है. तो आपको बताना है. देखिए सीधी सी बात है कि मैंने आपको तो ये कंडीशन बता दिया कि वेट जो होगा वो आपको ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा. लेकिन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इक्वेटर, इक्वेटर केस में वेट जो होगा वो मिनिमम होगा. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इक्वेटर का जो होता है ना, अगर हम लोग सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करें तो यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा होता है पोल के कंपेरेटिवली में, ठीक है. क्योंकि जो अर्थ की शेप है ना, स्फेरॉइड शेप की है, कंप्लीटली वो नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, ठीक है. तो मेन रीज़न इक्वेटर का लॉन्गर डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से, जिसके कारण जी की वैल्यू घट जाती है ग्रेविटेशनल पुल के. यही नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे बढ़ जाती है जी की वैल्यू, ठीक है. चलिए क्वेश्चन 81 देख रहे हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गॉज प्रेशर. पहले तो एक चीज समझिए, क्वेश्चन जब पूछता है ना तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि रॉन्ग पूछ रहा है, ठीक है. हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. अगर हम लोग गॉज प्रेशर की बात करें ना, गॉज प्रेशर की, तो यह एक रिलेटिव प्रेशर होता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में इसको रिलेटिवली निकाला जाता है. तो रिलेटिव प्रेशर की बात होगी तो या तो वो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है. तो ये ऑप्शन द वैल्यू ऑफ गॉज प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो डिस्कार्ड हो गया ना, दूसरा ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, तो ऑप्शन बी चला गया, ए भी चला गया, ठीक है. अब तो आंसर या सी होगा या डी होगा, ठीक है. अब एक चीज और समझिए, अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है, उस बॉडी पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा लग रहा है, तो गॉज प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. और अगर उस बॉडी पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, तो गॉज प्रेशर की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी. अगर हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसका डिफरेंस निकाल लेना, तो वही गॉज प्रेशर होता है. ये एब्सोल्यूटली करेक्ट है, ठीक है. तीसरा देख लेते हैं, द प्रेशर मेजर रिलेटिव टू द प्रेशर ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर. अब देखिए, रिलेटिव प्रेशर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट प्रेशर इज गॉज प्रेशर. अब अगर प्रेशर को हम लोग निकालते हैं, नॉर्मल प्रेशर को, किसके टर्म में, वैक्यूम के टर्म में. वैक्यूम मतलब देर इज नो पार्टिकल इनसाइड द इंटायर एटमोसफेयर, तो क्या होगा, वो प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर होगा. वो दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, 1 and 3 करेक्ट. आंसर हमारा सी हो जाएगा, लुक नो फर्दर वाली कंडीशन. क्वेश्चन 82 कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक हर्ज, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी मीन्स साइकिल पर सेकेंड, ठीक है.
मान लो एक सेकंड में एक साइकिल होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ज हो जाएगी, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है उसका रिलेशन 1/ फ्रीक्वेंसी होता है, ये याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी हर्ज में होती है, इस बात का ध्यान रखना है। अब बोल रहा है अल्ट्रासोनिक वेव की, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अगर आपको किसी चीज़ को सुनना है 20 हर्ट्ज से, 20 किलोहर्ट्ज आपको होना चाहिए। अगर 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर चली जाती है तो ये हो जाएगी आपको अल्ट्रासोनिक, जो कि बैट सुनते हैं, बैट सुनते हैं, डॉल्फिन सुनते हैं इस पर। अगर लेस देन हो जाएगा तो इंफ्रासोनिक हो जाएगा, इस दोनों के बीच में लाई करेगा तो ऑडिबल वेव हो जाएगा जो हम लोग सुन पाएंगे। 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर चला गया तो फिर अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, तो ओवर 20 किलोहर्ट्ज। सो आंसर विल बी सी, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 84 देखते हैं। एक्सप्लेनेशंस के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा दे दूँ लेकिन कोई मतलब उतना वो नहीं बनता ना, फुल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं इन द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट द रेंज ऑफ रेड कलर, अब रेड कलर की रेंज पूछ रहा है। इस यूनिट को कहते हैं एंगस्ट्रम, इसका मतलब होता है 10^-10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10^-10 मीटर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन छूटा क्या, एक मिनट, हाँ एक क्वेश्चन छूट गया। कह रहा था एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो होती है आपको जूल पर केजी पर केल्विन। जूल मीन्स एनर्जी, कितने केजी की आप अगर यूनिट ले रहे हो तो कितना यूनिट ऑफ एनर्जी आप देख पा रहे हो, मतलब सबसे अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट की बात करें कितना हीट रिक्वायर्ड होगा अगर आप टेम्परेचर रेज करना चाहते हो किसी भी यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको बढ़ानी है तो कितना ज़्यादा हीट आपको देना पड़ेगा, उसी को स्पेसिफिक हीट कहेंगे, ठीक है। तो ये एसआई यूनिट हो गया जूल पर केजी पर केल्विन। अगर हम लोग सेंटीग्रेड स्केल पे अगर हम लोग सीजीएस यूनिट देखेंगे तो वो हो जाएगा आपको कैलोरी पर ग्राम, ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मेमोरी वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अगर कह रहा है कि लाइट का डिस्पर्शन होता है, लाइट को अगर वाइट लाइट को अगर छोड़ते हो प्रिज्म से तो 7 कलर में जो डिस्पर्स होता है, तो रेड कलर का रेंज क्या होगा, तो रेड कलर जो होगा वो 6200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम पे लाई करता है। आपको पता होगा विजिबल रेंज जो होता है वो आपको इस विबग्योर से पता होना चाहिए, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। वेवलेंथ की बात कर लें, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है इस कलर रेंज में, रेड की सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, HC/λ। अगर जिसकी वेवलेंथ कम होगी एनर्जी ज़्यादा होगी, इक्वल्स टू HC/λ होता है, तो अगर जिसकी वेवलेंथ कम होती है एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग रेड लाइट को यूज़ करते हैं सिग्नल्स पे, ठीक है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है वैसी प्रॉपर्टीज़ बताइए एलॉय का जिसको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में यूज़ करते हैं, आखिर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में क्यों यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का सिर्फ एक रीज़न है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो, एक मिनट, तो इसका जो कंडीशंस होता है ना वो आपको लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। मैं कंडीशन आपको समझाता हूँ क्यों होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये कहीं से 3 3-फेज वायर आ रही है, ठीक है, और ये वायर आई आपके घर की तरफ अप्लायंसेस में भी आ गई, ठीक है। अब यहाँ से एक वायर आ रही है, अब यहाँ पे आपकी फ्यूज़ वायर लगी हुई है, मान लो फ्यूज़ को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, हालांकि करते तो इस तरीके से हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए करंट की वैल्यू एकाएक बढ़ गई, आई जो करंट फ्लो कर रही है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट की वैल्यू बहुत बढ़ गई। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब होता है वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो करंट जो होती है एक तरीके से इन्फाइनाइट हो जाती है, प्रैक्टिकल सेंस में इन्फाइनाइट नहीं, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा, जब करंट की वैल्यू बढ़ती है ना तो हीट होता है एक I²RT, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो R0 1+α∆T, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये फ्यूज क्या होगा ना, ये फ्यूज अपने आप गल जाएगा क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है। अगर इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी तो लो नहीं होगा, अगर ये मतलब अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट हम लोग इसको लेते हैं तो मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलने पर भी ये जलेगा नहीं, ये गलेगा नहीं,
और ये गलेगा नहीं, मतलब क्या है कि हाई करंट आपके सिस्टम में पहुंच जाएगा, आपके टीवी बर्बाद कर देगा, फ्रिज बर्बाद कर देगा। लेकिन फ्यूज़ का काम क्या होना चाहिए, फ्यूज़ का काम ही यही होता है ना कि हम जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़े सिस्टम में, जैसे ही शॉर्ट सर्किट कंडीशन आए, करंट की वैल्यू बढ़े, तो तुरंत ये पिघल जाए। अगर ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए, मान लीजिए ये वाली फेज ही डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आपकी जो करंट आ रही है बाहर फ्यूज वायर से, फेज वायर से, वो तो आपके घर तक नहीं आएगी ना, तो ये डिस्कनेक्ट होकर गल के गिर गई। तो फ्यूज़ का काम मेनली यही होता है। तो इसके लिए उसको मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, जल्दी पिघल जाए, जितनी जल्दी एक परमिसेबल लिमिट हम लोग बना लेंगे, और उसके जैसे बात करंट आगे बढ़ेगी वैसे वो पिघल के गिर जाएगा, ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 86 क्या कह रहा है ये देखते हैं, एक मिनट। 86 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज़ को किसने प्रोपाउंड किया गया था, वो थे आपको जोसेफ प्रॉस्ट, इनके द्वारा किया गया था। अब देखिए लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, या बेसिकली वेट ऑफ द कॉन्स्टेंट एलिमेंट हम लोग निकालते हैं, वो एक किसी भी केमिकल कंपाउंड में हमेशा फिक्स होता है कि वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, जिस एलिमेंट से मिलकर वो बना है कंपाउंड, उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो ऑलवेज फिक्स्ड होती है। यह जो लॉ दिया गया था कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का, वो दिया गया था जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा 1787 AD में, ठीक है। क्वेश्चन 87 कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बन फ्री न्यूक्लियर एनर्जी। कार्बन फ्री वैसी न्यूक्लियर एनर्जी जिसमें कार्बन की वैल्यू फ्री है, जीरो है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन बनती है वो होती है पिंक हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगी कार्बन फ्री न्यूक्लियर एनर्जी से, उसको पिंक हाइड्रोजन कहते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 88 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रो वैलेंट कोवेलेंट एंड सब कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फाउंड। तो इनमें से किन में तीनों, जिसमें इलेक्ट्रो वैलेंट भी, कोवेलेंट भी एंड सब कोवेलेंट बॉन्ड भी मिलता है, तो वो आपको होगा, देखिए बेसिकली अमोनियम क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं NH4Cl, एंड अमोनियम ब्रोमाइड क्या हो गया NH4Br। इसमें तीनों तरीके के बॉन्ड मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है। अब हम लोग बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO की। CO मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब आप किसी को एयर को बर्न कीजिएगा ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, और ये आपके ब्लड में बहुत तेज़ी से डिजॉल्व कर जाएगा। मतलब ब्लड में ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी होती है CO की डिजॉल्व हो जाने की। इसलिए तो कहते हैं कि घर में कभी घर को क्लोज करके हीटर मत चलाओ, इससे क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है जो कि पॉइजनस गैस होती है, और इससे क्या होता है ऑक्सीजन के डिजॉल्व होने की क्षमता आपके ब्लड में कम हो जाएगी, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसमें कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन 89 क्या कह रहा है फर्मेंटेशन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्मेंटेशन किस चीज़ के लिए यूज होता है, देखिए फर्मेंटेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि पहले एक्सप्लेन किया गया था लुईस पाश्चर जी के द्वारा। लुईस पाश्चर आपको पता होगा मिल्क के फर्मेंटेशन में भी। अब फर्मेंटेशन में होता क्या है, बेसिकली इसमें सिंपल सा चीज़ है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तोड़ने जो तोड़ते हैं किसकी मदद से हम लोग इसको तोड़ते हैं, वो होता है सिंपल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट या फिर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। जैसे यीस्ट कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथेनॉल में, ठीक है। जैसे आप एक मान लीजिए राइस ले आए, ठीक है, राइस को पानी में डाल दिए और इसको क्लोज करके मिट्टी के बर्तन में और ज़मीन के अंदर रख दिए, ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिससे हम लोग इथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन वाइन बनाने में यूज होता है, जिस तरीके से मान लीजिए अंगूर है उसको हम लोग डाल के फर्मेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन को यूज़ करते हैं वाइन बनाने में, अल्कोहल बनाने में, ब्रेड बनाने में, बिस्किट्स बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, कर्ड बनाने में, विनेगर बनाने में, ठीक है। तो देखिए लीकर बनाने में यूज़ करते हैं, ब्रेड बनाने में, कर्ड बनाने में, सब में यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेचुरल सोर्स एंड एसिड इज करेक्टली मैच्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर BPSC, ठीक है। देखिए टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि देखिए ज़्यादा टोमेटो खाइएगा या फिर ज़्यादा पालक की साग खाइएगा तो इससे क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, जिससे क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड अगर बढ़ जा रहा है तो स्टोन्स होते हैं ना पथरी, वो बढ़ जाती है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट तो सी सही है। अब देख लेते हैं योगर्ट या फिर खट्टे मिल्क में, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड देखने को मिल जाएगा आपको, लैक्टिक मिलेगा, लैक्टिक का फुल फॉर्म जान लीजिए C2H4OH, आपको हो गया अल्कोहल,
COH एसिटिक एसिड वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग टोमेटो स्पेनिच की बात कर ले, ऑक्जेलिक एसिड होता है। देखिए केमिकल फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, C2H2O4 होता है ऑक्जेलिक एसिड का, क्योंकि एग्जाम में देखा हूँ कभी कभी पूछ देते हैं लोग। ऑरेंज एंड लेमन की बात कर लेते हैं, तो इसमें साइट्रिक एसिड होता है, किसी भी खट्टे फ्रूट में साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक स्टैंड फॉर C6H8O7, ठीक है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहे हैं, वैसे मैं ये लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, कुछ लिस्ट में बना के रखा था, वो मैं आपको भेज दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा ये चीज़ें, बट उसको बार बार देखना पड़ेगा आपको। 91 क्या कह रहा है देखते हैं। हाँ, कह रहे हैं व्हाट डू एसिड लिबरेट व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन। जब एसिड को आप वाटर में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, तो वो H+ आयन को लिबरेट करता है, अगर वही बेस डालोगे तो OH- आयन को लिबरेट करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे मान लो HCl को आप पानी में डालते हो, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, HCl+H2O करोगे ना, तो यहाँ पे H3O+ आयन प्लस Cl- आयन होता है, ये H3O+ क्या होता है, H+ आयन ही तो है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 92 क्या कह रहा है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा, यह एक वाइट सोडियम आयनिक कंपाउंड होता है, जिसको आप वाटर या फिर सोडियम में एज ऑक्साइड यूज कर सकते हो। पानी में कम्प्लीटली सोल्यूबल होता है और मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एयर में प्रेजेंट होते हैं उसको भी, ठीक है। 93 कह रहा है मिलेराइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मिलेराइट जो ओर होता है वो निकल का है ओर, ये ध्यान रखिएगा। मैगनीज, मैगनीज के ओर को समझ लेते हैं, पायरोलिसाइट है एंड मैग्नेटाइट है, ये याद रखिएगा। मैग्नीशियम की ओर को देख लेते हैं, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट तो याद होना चाहिए, ठीक है, डोलोमाइट तो याद होना चाहिए। एंड कैरनालाइट है। कैडमियम की बात कर लें तो इसका ग्रीनोकाइट है। यूरेनियम का कैरनाइट, पिच ब्लेंड यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरियम का मोनोजाइट होता है, ठीक है। 94 देख लेते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन अल्फा पार्टिकल आर रेस्पेक्टिवली। अल्फा पार्टिकल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, दो प्रोटॉन होता है एंड दो न्यूट्रॉन होता है। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम का, हीलियम 2-4, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जो नोटेशंस होता है ना, इसमें आपको ध्यान रखना है कहाँ पर एटॉमिक नंबर है, कहाँ पर मास नंबर है, ठीक है, ये पूछता है। चलिए अगर हम लोग किसी अल्फा पार्टिकल को मीट करते हैं किसी न्यूक्लियस से, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो उसकी एटॉमिक नंबर जो होती है डिक्रीज कर जाती है 2 से, और एटॉमिक वेट जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है 4 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 95 क्या कह रहा है। आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। देखिए रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं और इसको क्लोथ्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लॉर्ड शिवा स्टेच्यू विश्वास स्वरूपम कौन से स्टेट में अनवेल किया गया है, ये आपको अनवेल किया गया है राजस्थान में, ठीक है। टॉलेस्ट लॉर्ड शिवा स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ भी कहते हैं इसको, ये आपको नाथ द्वारा राजस्थान में इसको लगाया गया है, ये टोटल 369 फिट का है। इसी तरीके से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर लें केवड़िया गुजरात में, प्रॉस्पेरिटी की बात कर लें बेंगलुरु कर्नाटक में, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात कर ले तो हैदराबाद में। व्हाट इज विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाई CBI अगेंस्ट साइबर क्राइम इन्वॉल्विंग फिनेंशियल क्राइम्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो उन्होंने साइबर क्राइम के अगेंस्ट में फिनेंशियल क्राइम जो हो रही है साइबर के थ्रू, उसमें कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किए हैं आपको ऑपरेशन चक्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिक्लेयर्ड मोधेरा विलेज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स इन गुजरात, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है, नॉर्थ गुजरात में। इन अक्टूबर 2022 द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 4 मेंबर ऑफ द राज्यसभा विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। तो मतलब प्रेसिडेंट ने अक्टूबर 2022 में 4 मेंबर को नॉमिनेट किया था फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, कौन कौन थे उसमें ये देखना है हमको। देखिए जो 4 थे उसमें PT Usha थी, ठीक है, PT Usha थी जो स्पोर्ट्स कैटेगरी से चुनी गई थी, इलैयाराजा म्यूजिक से, वीरेंद्र हेगड़े सोशल वर्क, वीरेंद्र हेगड़े जो हैं वो सोशल वर्क के लिए आए थे, चुना गया था इनको, ठीक है। KV विजेंद्र प्रसाद जी फिल्म डायरेक्टर की तरह, इनको फिल्म डायरेक्टर के लिए इनको चुना गया था। मतलब आपको पता ही है गवर्नमेंट प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती है राज्यसभा में जो आर्ट्स कल्चर साइंस एंड एक्टिंग के सब तरह के सब फील्ड से। इसमें मिस्टर अनिल कपूर जी को नहीं सेलेक्ट किया गया था, तो सी हो जाएगा आंसर। 100 कह रहा है
इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी विल बी सेट अप. वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स इन तेलंगाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हैज बीन ओपन. बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था 2022-23 के वक्त. तो ये आपको बेसिकली ये हुआ कहाँ था, हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है तासी गैंग, वहाँ पे हुआ था. और इसकी लगभग 15,256 फीट थी. तो यहाँ हो जाएगा नान, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वो डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है. 102 नंबर कह रहा है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म रिसेंटली. वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो ये कर्नाटक में किया गया है इसको अनवेल. ठीक है, लगभग 1.5 किलोमीटर का है. श्री सिधोदरा सिधोरुदा रेलवे स्टेशन, जो कि हुबली कर्नाटक में है. 103 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, रिसेंटली आम आदमी पार्टी हैज़ बिन गिवन द स्टेट ऑफ नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया. इन विच स्टेट दिस पार्टी हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ द स्टेट पार्टी. आम आदमी पार्टी जो नेशनल पार्टी बनी है इंडिया की, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रखी है उन्होंने असेंबली इलेक्शन, जो कि गुजरात में हुआ था. आम आदमी पार्टी को स्टेटस मिला है स्टेट पार्टी का दिल्ली में एंड पंजाब में. दिल्ली पंजाब दोनों का आंसर हो जाएगा टी. एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको आई दृष्टि करंट अफेयर पढ़ना है, आई दृष्टि जो कि अप्रैल 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक की है, वो आगे मैं और अपडेट कर दूंगा, वो भी आप जाके कंप्लीट देख सकते हो. उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है सारे के सारे पार्ट का, वन लाइनर भी है और सारे का सारे एक्सटेंडेड फॉर्म में है, तो आप उसको सुन सकते हो. इन विच स्टेट मिशन 929 इन विच स्टेट मिशन 929 वॉज लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू अचीव मोर देन 90% वोटिंग परसेंटेज. तो ये आपको हुआ था त्रिपुरा में, याद रखिएगा त्रिपुरा में. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिपब्लिक डे परेड 2023. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. कहता है द बेस्ट टवेलो अवार्ड वॉज गिवन टू द टवेलो ऑफ उत्तर प्रदेश. देखिए सबसे पहले बात समझिए कि द बेस्ट टवेलो अवार्ड जो तवेली ऑफ उत्तराखंड, उसको बेस्ट तवेली का मिला था, उत्तर प्रदेश को नहीं मिला था. ठीक है, तो क्योंकि 2023 की बात हो रही है तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है. सेकंड कह रहा है न्यूली अपॉइंटेड अग्निवीर बिकम पार्ट ऑफ द पैरेड ऑफ द फर्स्ट टाइम. तो ये रॉन्ग है. तो अगर ए रॉन्ग है तो इसको तो आंसर में आप ले लोगे. और देखो न्यूली अपॉइंटेड अग्निवीर बिकम द पार्ट ऑफ द पैरेड फॉर द फर्स्ट टाइम. देखिए और फॉर द फर्स्ट टाइम पैरेड ऑफ एनसीसी तवेलू वॉज इन प्रेजेंटेड. तो एनसीसी का पहली बार नहीं किया था, एनसीबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो का किया गया था फर्स्ट टाइम. तो ये भी रॉन्ग है, तो ये भी आंसर में आ जाएगा, तो मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा. चलिए 106 कह रहा है, इंडिया प्लान टू लॉन्च मीरा MIIRA ग्लोबल इनिशिएटिव टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप ड्यूरिंग द चेयरमैनशिप ऑफ G20. तो इंडिया का G20 का चेयरमैनशिप है. आपको पता होगा मिलेट्स, जिसको श्री अन्ना भी कहा गया है, किनके द्वारा कहा गया है ये बता देना आप एग्जाम कमेंट सेक्शन में. ठीक है, चलिए एग्जाम में पूछ सकता है इसलिए पूछ रहा हूँ. व्हाट इज द नेम गिवन टू द फर्स्ट 5G फिफ्थ जनरेशन इनेबल ड्रोन डेवलप्ड बाय इंडिया. तो क्या नाम दिया गया है जो फिफ्थ जनरेशन इनेबल ड्रोन है जो डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा, उसका नाम रखा गया स्काई हॉक. ठीक है, एक स्काई रूट करके है. ठीक है, स्काई रूट ये फर्स्ट प्राइवेटली ओन्ड स्पेस कंपनी है. ठीक है, जो हमारे इंडिया की है खुद की. 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. देखिए आप करंट अफेयर अगर स्टैंडर्ड वाइज पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी आई दृष्टि घटनाचक्र की बुक डाल रखी है. चलिए 108 कह रहा है, इन दिसंबर 2022 विच कंट्री लॉन्च इज फर्स्ट लूनर रोवर राशिद. तो किस कंट्री ने राशिद को लॉन्च किया था, तो वो कंट्री थी यूनाइटेड अरब एमिरेट. ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव. ठीक है, इसी तरीके से और बात कर लेते हैं. रोवर लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के द्वारा. आपको पता है स्पेसएक्स कहाँ की कंपनी है, इलॉन मस्क की कंपनी है. फैल्कन 9 रॉकेट यूज़ किया गया था कैंप कैनेवरल में. एंड फ्लोरिडा का हेल्प लिया गया था, जापान मेड एक लैंडर है हुकुटो आर मिशन 1 उसको उसके लिए. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है, इन विच कंट्री द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया फरवरी 2023 में, किस कंट्री में किया गया है. तो ये किया गया आपको फिजी में और इसको रिप्रेजेंट किया गया था इसको हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा. ठीक है, विच रेस्क्यू कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द तुर्की सीरिया अर्थक्वेक. ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है मुझे, तुर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था तो कौन सा ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, तो ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया गया था इन तुर्की एंड सीरिया. ठीक है, अर्थ एक चीज़ और याद रखिएगा, जो अर्थक्वेक आई थी उसकी मैग्नीट्यूड 7.8 थी और जो रिक्टर स्केल यूज़ करते हैं जिससे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ दी अर्थक्वेक की पता चलती है. ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग G20 समिट इन 2023. एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट मान के चलिए इससे, G20 समिट
से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताना है आपको, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। इंडिया टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम 1 जनवरी 2023। तो एक चीज़ जान लीजिए, इंडिया हैज़ टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी G20 का 1 दिसंबर 2022 को लिया गया था, याद रखिए 1 दिसंबर 2022 को इंडिया ने प्रेसिडेंसी को टुक ओवर कर लिया था, ना कि 1 जनवरी 2023 से, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज किया जाएगा न्यू दिल्ली में, ये स्टेटमेंट सही है। थीम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मोटो क्या है इंडिया का G20 समिट का, तो वसुधैव कुटुंबकम, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा, आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रन किया गया है वो स्विट्जरलैंड के द्वारा रन किया गया है, ठीक है। इसकी लेंथ थी 2 किलोमीटर और लगभग 200 कोचेस थी, लगभग नहीं 100% 100 कोचेस थे इसमें, ठीक है। इन विच कंट्री द मीटिंग ऑफ एंटी टेररिज्म कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC जो कि 2022 में हेल्ड हुआ, वो कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता होगा ये इंडिया में हुआ है, ठीक है। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई एंड दिल्ली में। नाउ क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है इन द बजट 23-24, नाउ क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है देखते हैं। इन द बजट 23-24 द गवर्नमेंट अनाउंस द प्रमोशन ऑफ विच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद द एम ऑफ मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स कोर सीरियल, ठीक है। तो मोटे अनाज को कहते हैं कोर सीरियल्स, और मिलेट्स जो है वो मोटा अनाज है, इसको श्री अन्ना भी कहा गया है, और मिलेट ईयर 2023 को रखा गया है, ठीक है। तो 114 में वो आ जाएगा इंडियन मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, ठीक है। चलिए, और फिनांस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने कहा है कि एक रिसर्च सेंटर को बेस किया जाएगा मिलेट के लिए, जो कि हमारे कंट्री में खोला जाएगा। फार्मर्स को दिया जाएगा 50% कंसेशन ऑन परचेज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर द पर्पस ऑफ मिलेट कल्टिवेशन, ठीक है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है श्री अन्ना, जिसको कोश ग्रेन मिलेट्स कहते हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की बात मैं बता रहा हूँ आपको। 114 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया व्हाट परसेंटेज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट हैज बीन एस्टिमेटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 के फाइनेंशियल एस्टिमेट के तहत, फाइनेंशियल ईयर के तहत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में कितने परसेंट फिस्कल डेफिसिट का अनुमानित है, एस्टिमेटेड है, ये आपको बताना है। ये है आपको 6.4%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमी सर्वे एंड बजट, वैसे मैं इसको आपकी समरी देने वाला हूँ, इस दोनों की काफ़ी दो पेजेस की समरी दूंगा, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अभी आपको उसको ध्यान देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया विच आर द टॉप 3 कंट्रीज फॉर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2022। फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहला है सिंगापुर, फिर आपको है मॉरिशस, फिर आपको UAE। सिंगापुर, मॉरिशस एंड UAE आर द टॉप 3 कंट्रीज फॉर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2022। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 फॉर हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के लिए सबको पता है बद्री नारायण जी को मिला है, बद्री नारायण जी को मिला है उनकी पोइट्री कलेक्शन तुमादी के शब्द, ठीक है, तुमादी के शब्द के लिए। मैथिली लैंग्वेज में अजीत आजाद जी को मिला है पोएम पेन ड्राइव में पृथ्वी। इंग्लिश लैंग्वेज में अनुराधा रॉय जी को मिला है नॉवेलिस्ट का, इनका है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है। 118 चलते हैं, वेयर वॉज द 7th नेशनल धर्माधमा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन मार्च 2023, तो ये आपको रखा गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है भोपाल में। 7th इंटरनेशनल धर्माधमा कॉन्फ्रेंस था, भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन फाउंडेशन, इसका थीम था ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ द Under-19 वुमेन्स T20 कप वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वुमेन T20 वर्ल्ड कप को हेल्ड किया गया था, और कौन सी कंट्री जीती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 119 में आपको सबको पता है इंडिया जीती थी, इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम Under-19 वर्ल्ड T20 कप 2023 में जो ऑर्गेनाइज किया गया था साउथ अफ्रीका में, उसको जीता था यह टाइटल, ठीक है। किसको डिफीट किया था, इंग्लैंड को डिफीट किया था। कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज शेफाली वर्मा, सी इज वेरी यंग। 120 नंबर को चलते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स एजुकेशन अवार्ड स्कीम, तो ये ओडिशा के द्वारा किया गया है, नवीन पटनायक जिसके यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार अवार्ड, इसका मेन पर्पस है कि कैसे भी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को उनके एक्सीलेंस वर्क के लिए फील्ड ऑफ एजुकेशन में अवार्ड दिया जाए। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इन मई 2023,
2023 में अगर हम लोग बात करें तो किन को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ही इज़ अजय बंगा जी को बनाया गया है, और ये पहले इंडियन बॉर्न कैंडिडेट हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द वर्ल्ड बैंक। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट की तो पेरू की थी डीना बोलारेटे, और अगर सीईओ ऑफ यूट्यूब की बात कर ले नील मोहन जी हैं, एंड फर्स्ट फीमेल सिख जज इन अमेरिका की बात कर ले तो मनप्रीत मोनिका सिंह जी हैं। याद रखिएगा फर्स्ट फीमेल हु इज़ द फर्स्ट, ये सब याद रखिएगा। 122 कह रहा है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखिए HDI इंडेक्स आपको पता होगा BPSC 67 में यहाँ 1918 से पूछ दिया था 21-22 में, तो ध्यान रखना होता है थोड़ा सा, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 21-22 जो कि रिलीज किया गया था सितंबर 2022 में, ठीक है। स्विट्जरलैंड गॉट द टॉप पोजीशन इन द इंडेक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड कह रहा है इंडिया रैंक वॉज 129th इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 वाइल इंडिया गॉट 132 रैंक इन HDI 21-22। अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं HDI जो होता है वो रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसके द्वारा किया जाता है, UNDP के द्वारा इसको निकाला जाता है, ठीक है। इंडिया का रैंक था 131 इन द HDI, इंडिया हैज़ गॉट 132 इन 21-22, 21-22 में 132 है इंडिया का रैंक, लेकिन उससे पहले 131 था, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 123 क्या कह रहा है देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द 36th नेशनल गेम, 36वां नेशनल गेम के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। इट वॉज ऑर्गेनाइज इन गुजरात, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट्स मैस्कॉट वॉज सवाज, दैट इज़ एन एशियाटिक लायन, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए सी कह रहा था 37th नेशनल गेम विल बी ऑर्गेनाइज इन मध्य प्रदेश, देखिए सीधी सी बात है 36वां नेशनल गेम 2022 वेन्यू गुजरात था, मास्कट इसका साफ आपको एशियाटिक लायन था, ठीक है। 37वां नेशनल गेम जो है ना वो मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक तो क्वेश्चन पूछ रहा है 36 नेशनल गेम के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है, 37 नेशनल गेम जो होगा ना वो मध्य प्रदेश में नहीं गोवा में होगा, ठीक है, ये गोवा में होगा, तो रॉन्ग तो यही है, लेकिन क्वेश्चन में 36 पूछ रहा है तो जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं क्या कह रहा है, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसते हैं लेकिन क्वेश्चन फ्रेम ठीक से नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए 124 कह रहा है द इकोनॉमी सर्वे ऑफ द ईयर 22-23 वॉज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इट। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस इज द 17th इकोनॉमी सर्वे ऑफ बिहार, तो 17वां इकोनॉमी सर्वे बिहार जो कि प्रेजेंट किया गया था बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली फाइनेंस मिनिस्टर जो है विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा। वाइल द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 21-22 वॉज 8.68%, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन बिहार इज 10.98। तो देखिए अब सेकंड ये तो पहला करेक्ट है, दूसरा करें फाइनेंशियल ईयर 21-22 द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन बिहार वॉज 10.98, 21-22 के रेट में, ठीक है, एकदम करेक्ट है, बिहार का 10.98 है, लेकिन अगर हम लोग इंडिया का देखें तो 8.68 इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, बिहार रैंक्स थर्ड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो बिहार का जो रैंक है वो आंध्र प्रदेश टॉप पोजिशन पर है और बिहार का तीसरा रैंक है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का फर्स्ट पोजिशन है, ग्रोथ रेट है आपको 11.4, इसी के साथ साथ राजस्थान सेकंड प्लेस पे है, ग्रोथ रेट 11.04 है, ठीक है। बिहार तीसरे नंबर पे है, एब्सोल्युटली करेक्ट, तीनों सही है तो मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन 125 क्या कह रहा है देखते हैं, द स्टेट बजट ऑफ द ईयर 2023-24 वॉज प्रेजेंटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट विद अ टोटल एस्टिमेट ऑफ अबाउट, कितना टोटल एस्टिमेट है ये समझिए आपको, 2.62 लाख करोड़ है, 2.62 लाख करोड़। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो पहला चीफ मिनिस्टर कौन थे बिहार के, तो ये आपको MD यूनुस जी थे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल या फिर यहाँ सीधा पूछ रहा है पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे। पहले असेंबली इलेक्शन की बिहार में 1937 में हेल्ड हुई थी, आपको याद होगा 1937 में हेल्ड हुई थी, कांग्रेस 98 सीट जीती थी इलेक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट हुआ था लेकिन इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ठीक है। कोई पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं मिलती इनको, इसलिए इनको एश्योरेंस नहीं मिल रहा था, इसलिए इसको रिफ्यूज़ कर दिए थे। उस वक्त के गवर्नर इंटरेस्टेड थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली हुई थी मोहम्मद यूनुस जी को, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी से थे। इसी तरीके से 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस को फर्स्ट चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था बिहार का। अगर हम लोग इस तरीके से देखें श्री कृष्ण सिंह वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार, इंडिपेंडेंट पूछता तो श्री कृष्ण सिंह जी बोलते, ठीक है। 127 में क्वेश्चन देखते हैं, चलिए विच इज़ नॉट द करेक्ट रिगार्डिंग बिहार लेजिस्लेचर, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है।
कह रहे टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 40, एब्सोल्युटली करेक्ट. द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6, ये भी करेक्ट. द नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 343, नहीं ये नहीं है 343, नहीं 243 है. अभी टोटल एट प्रेजेंट की बात कर ले, टोटल नंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 243 है. इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 38 सीट रिजर्व है एससी के लिए, 2 सीट रिजर्व है एसटी के लिए. तो एससी के लिए 38 याद रखिएगा, एसटी के लिए 2 सीट याद रखिएगा, ठीक है. अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हम बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर ले तो टोटल काउंसिल की सीट है 75, ठीक है. नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल वो है 6, ये सारा याद रखिएगा. ये रॉन्ग था आंसर, ये हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा. विच इज़ नॉट द करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द बिहार पंचायती राज सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द बिहार पंचायती राज सिस्टम. देखिए पीआरएस सिस्टम के बारे में पूछ रहा है. बिहार में मुखिया का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट. सरपंच का डायरेक्ट होता है लेकिन प्रमुख का ना इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये याद रखिएगा. तो ये रॉन्ग हो गया, आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है. तो पंचायत समिति में एट द ब्लॉक लेवल जो कि हेड किया जाता है चीफ के द्वारा, पंचायत समिति मेंबर आर इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन मेथड. इलेक्शन ऑफ प्रमुख एंड उप प्रमुख जो होता है ना वो इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा होता है, जो पंचायत समिति के मेंबर ही उनको चुनते हैं, ठीक है. 129 नंबर कह रहा है हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 1937. तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किनको चुना गया था, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. 1937 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया था एज प्रोटेम स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली. इन जुलाई 1937 AD प्रेसिडेंट ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली मिस्टर रामदयालु सिंह एंड वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर अब्दुल बारी वॉज इलेक्टेड. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हो, आई दृष्टि की बुक मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ, आई दृष्टि ज्योग्राफी, आई दृष्टि मॉडर्न हिस्ट्री, आई दृष्टि पॉलिटी बिहार की. खासकर अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ना है वो भी मैं आई दृष्टि डाल रखा हूँ. घटना चक्र की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1905 से लेकर 1947, तो वो भी आपको 7.5 घंटे की वीडियो मिल जाएगी, तो आप प्रॉपर यूज कर सकते हो. बिहार स्पेशल की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको मैप के थ्रू बिहार के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया गया है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, रिवर, मिनरल सब के बारे में बताया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो. क्वेश्चन 130 कह रहा है व्हेन वाज द स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार अडॉप्ट, कब अडॉप्ट किया गया था स्टेट सॉन्ग को. तो ये आपको अडॉप्ट किया गया था 2012 में, ठीक है. चलिए और बिहार का जो स्टेट सॉन्ग है वो कौन है, स्टेट सॉन्ग है मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदम बिहार, ठीक है. याद रखिएगा इसके लिरिसिस्ट हैं सत्यनारायण जी, कंपोजर हैं इसके, कंपोज किन्होंने किया है हरि प्रसाद चौरसिया एंड शिव कुमार शर्मा जी. इसको अडॉप्ट किया गया था यार 2012 में. चलिए क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास डिड नॉट सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे बिहार रीजन. देखिए अगर हम लोग 16 महाजनपदास की बात करें, अंगुत्तर निकाय एंड भगवती सूत्रा में इसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, 16 महाजनपदास में 3 महाजनपदास जो प्रेजेंट है वो बिहार के रीजन में है. कौन कौन, मगध आपको पता होगा बिहार के गया, नालंदा पटना वाले रीजन में है. अंग की बात कर लेते हैं तो भागलपुर मुंगेर वाले रीजन में है. भज्जी की बात कर ले भज्जी संघ के बारे में तो वैशाली मुजफ्फरपुर वाले रीजन में है. तो सारे के सारे प्रेजेंट हैं, तो मोर देन वन ऑफ दी, तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा है तो नन हो जाएगा, ठीक है. चलिए क्वेश्चन 132 पे चलते हैं. कह रहा है एविडेंस ऑफ डोनेशंस बाय विच सल्तनत रूलर हैज़ बीन फाउंड इन द जैन टेम्पल ऑफ राजगीर. तो राजगीर के जैन टेम्पल में किनके द्वारा डोनेशंस दिया जाता था ये आपको बताना है, वो भी सल्तनत टाइम में. तो वो थे आपको फिरोज शाह तुगलक, ठीक है. फिरोज शाह तुगलक बिहार बंगाल कैंपेन में आए थे. एविडेंस है कि कुछ ग्रांट दिए थे उन्होंने इंस्क्रिप्शन के लिए जैन टेम्पल में, कहाँ पर, राजगीर में, ठीक है. वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ बिहार एट द टाइम ऑफ प्रांतपति मानसिंह. तो प्रांतपति मानसिंह जो थे उनके समय में कैपिटल क्या थी बिहार की, तो कैपिटल थी रोहतास, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. अब चलिए देखिए अकबर जो थे ना उन्होंने राजा मानसिंह को गवर्नर बना के भेजे थे बिहार के 1587 AD में, ठीक है. उन्होंने बिहार को 1587 से लेकर के 1594 तक लीड किया था. रोहतास को कैपिटल बनाया था बिहार का अपने समय में. अब चलिए 134 में क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस बाय द नेम बिहार विभूति. सबको पता है अनुग्रह नारायण सिंह. अनुग्रह नारायण सिंह वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार. उन्होंने सपोर्ट किया था गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह 1917 के वक्त. उनको टाइटल मिला था बिहार विभूति का. श्री कृष्ण सिंह इज गिविन द टाइटल ऑफ बिहार केसरी. अब देखिए श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी का टाइटल मिला हुआ है, सबको पता है. लोकनायक किसको नहीं पता है, अपने जयप्रकाश नारायण जी हैं सोशलिस्ट. अगर हम लोग क्विट इंडिया की बात कर ले तो लोकनायक जी जयप्रकाश नारायण जी की नाम सबसे ज़्यादा ले लेंगे. आजाद दस्ता का फॉर्मेशन जयप्रकाश नारायण, ठीक है. 1971 जयप्रकाश नारायण, ठीक है. इतने बड़े वो थे. चलिए
135 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल इज रिलेटेड टू गंडक रिवर, गंडक, ठीक है, गंडक को एंशियंट हिस्ट्री में इसको सदानीरा कहा गया है। पता है क्यों सदानीरा इसको इसलिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वाटर रहता था पूरे साल, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा कैनाल है जो कि गंडक पे है, तो त्रिवेणी कैनाल भी है गंडक पे, तिरुत कैनाल भी है गंडक पे, धोन कैनाल भी गंडक पे है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ये सारे के सारे कैनाल हैं इरिगेशन पर्पज से बनाए गए हैं, वाल्मीकि नगर डैम वेस्ट चंपारण के पास, ठीक है। 136 देखते हैं, द फेमस मलमास फेयर ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट, तो मलमास फेयर रिलेटेड है किससे, एक चीज समझिए, मलमास मेला जो है ना वो राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो बांका रोहतास पटना वाले रीजन में नहीं है, ये राजगीर और बांका रीजन में है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली जुलाई से अगस्त में ये फेयर लगता है और बहुत सारे डिवोटी होते हैं यहाँ पे, हॉट स्प्रिंग में नहाते हैं आकर के, बहुत सारा रिलीजियस जो परफॉर्मेंस होता है उसको करते हैं। 137 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन नॉर्थ बिहार। देखिए कोसी मेची लिंक, आपको कोसी मेची का जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है तो ये याद हो गया, तो नॉर्थ में ही है, महानदी नॉर्थ में ही है, आपको पता होना चाहिए। अजय जो है वो नॉर्थ में नहीं है, ठीक है। अजय रिवर जो है मेची, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिमालय से नेपाल से ओरिजिनेट होती है और नॉर्थ बिहार में फ्लो करती है। अजय रिवर आपको साउथ बिहार में जमुई डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। 38 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, गोगना लेक कटिहार, एब्सोल्युटली करेक्ट। अनुपम लेक जो है ना, अनुपम जो लेक है ना वो आपको अगर हम लोग देखें तो ये रिलेटेड है कैमूर जिला से, रोहतास से नहीं है, कैमूर जिला से रिलेटेड है, ठीक है। सिमरी लेक सहरसा, तो ये करेक्ट है, आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। मोती लेक, मोती झील आपको पता है, इस चंपारण मोतिहारी, देखिए मोती झील वो मुजफ्फरपुर वाली से कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, कुशेश्वर लेक भी दरभंगा में है, कुंवर लेक बेगूसराय में है, कांवर लेक बेगूसराय में है, ठीक है, आपको पता होगा, रामसर कन्वेंशन में डाला गया है उसको, वेटलैंड्स में। अब चलिए 139 कह रहा है, वेयर इज़ द रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री एस्टेब्लिश इन बिहार, तो ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, तो ये मधेपुरा में एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स आपको मधेपुरा में लोकेटेड है, 2022 में एक 1200 हॉर्स पावर का इंजन यहाँ पे बनाया गया था, तभी से ये न्यूज़ में था काफ़ी। लेट्स डील विद द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज अब आगे का 10 क्वेश्चन मैथ्स है, तो आप लोग खुद से देख लेना। द थ्री डिस्ट्रिक्ट विद द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन बिहार, तीन डिस्ट्रिक्ट बताना है। देखिए ये सेंसस में आएगा आपको, सेंसस एंड ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट एंड IFSR इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट बिहार, ये दोनों मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, आप जाके आराम से दो पेज की नोट से, उससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है, आप देख लेना एक बार। 140 क्वेश्चन में पूछ रहा है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, डिजिटल सेंसस होता है, तीन डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन बनाना, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, मतलब कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो बिहार का तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे सियोहर देन पटना देन दरभंगा, सियोहर पटना दरभंगा आपको इस क्रम में लग जाएगा, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको पता चल गया। अब देखिए ये एरिटेरिया की सेट वन थी, 10 क्वेश्चन मैथ्स का आप खुद से देख लेना, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको टोटल का टोटल एरिटेरिया के सेट से मिल गया। अगर आप चाहते हो कि मैं टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी अपलोडेड है, बायो की मैं आई दृष्टि डालने वाला हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन डाला हुआ है, आई दृष्टि आपको पॉलिटी की मिल जाएगी कंप्लीट, बिहार स्पेशल की एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जा रही है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर में आई दृष्टि आपको अप्रैल टू अप्रैल 2022 से 2023 तक कंप्लीटली अपडेटेड है, आप उससे भी जाकर के बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।